We are in. Now move. Hold on. 1 second. Come back. Now take the side way. One more. Spread out. Hold on. Wait. Now. To the first floor. Only three of you. There are security. That's not a problem. He's sleeping. Move slow. Okay. That's the target. Center में एक छोटा सा क्रॉस है. मेरा ही बनाया हुआ मार्क है. प्रिपेयर गन. लोड 6 inches फ्रॉम द मार्क टू द राइट. फ्रॉम देयर डाउन 6 inches. वर्टिकल 12 inches. यूज द लेजर नाउ. गुड. यूज द मैग्नेटिक हैंडल टू ओपन द डोर. डू यू सी व्हाट्स इन फ्रंट? That's all ours now. Move. First time, big deal done. Hey, अरे क्या कर रहा है? Hey. 10 bags हैं सबके लिए. दो दो क्या कह रहे हो? ए गलत होगा यार. और अब तक जो किया टाइम नहीं है. अभी कभी डिसीजन लेना है. हम सब लाइफ में सेटल हो जाएंगे बड़े बनकर. लेकिन जो भी करेंगे वो साथ में करेंगे. राइट में चले या लेफ्ट में? We are millionaires now. Welcome back. Yeah.
आप बोलो प्यारों, इन पैसों पर किसका हक है? शिवा भाई, हमसे गलती हो गई, मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। गलत तुमने नहीं किया, पैसों ने ही तुम सबको गलत काम करने के लिए उकसाया था। That's the power of money। यही सोच रहे हो ना कि इतने दिन मेरे साथ रहे हो और छोटे मोटे हाथ मारे हैं, अब ये बड़ा हाथ मारने के बाद इसका हिस्सा करके मजे से रहेंगे, है ना? That's the power of money। Hey, इतनी मेहनत करने के बाद, टारगेट ढूंढने के बाद और तुम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी इस रात को तुम लोग मजदूरी करने के बजाय ये बैग लेकर भागने की सोच रहे थे, है ना? That's the power of money। By the way, इस बार तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, जाकर कोई दूसरा काम देखो। जाकर गाड़ी से सारे बैग निकालो। इन्हें मार नहीं सकता। द वर्ल्ड्स बेस्ट परफ्यूम। Hey, मैं तुझे भी मार दूंगा, मार दूंगा तुझे मैं। जल्दी बोल, बोल कहाँ है? No, शूट किया तो एक मिनट में तेरी जान चली जाएगी। बोल तू क्या चाहता है? कितने दिनों तक, कितने दिनों तक ये दर्द होगा, ये दर्द होगा? कुछ पता नहीं है। एक या दो, कितने करोड़, कितने करोड़ पता है तुझे? दिखा। तीन गुना पगार देता हूँ, फिर भी ये हरकत थी तेरी? दारू पी थी क्या इसने? नहीं सर, इसकी शादी हुए अभी 3 महीने हुए हैं सर। ओ, तो दिन में घर की ड्यूटी करता है, इसलिए रात को वहाँ सो गया। ए, अब ये कभी किसी के साथ सो ना पाए, ऐसा कर दो इसे, ले जाओ। तुझे क्या हराम की तनख्वाह मिलती है? ए, सिर्फ इसे ही नहीं, वहाँ जो भी मौजूद था सबको दर्द होना चाहिए। वो सब हॉस्पिटल में ही सर। उन लोगों को अच्छा होने के बाद भी दर्द होना चाहिए सर। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो दी थी बीपी की गोली सर, भूल गए थे आप। ओ रियली? बंदूक देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था सर। शादी हो गई क्या? वो सर डिवोर्स हो गया सर। यू हैव एस्केप्ड। हे, कहाँ है वो किशोर, कहाँ चला गया? हे, तू ही है ना? Hey, बोल, बोल, कहाँ पर छुपा कर रखा है? बोल, तूने ही पैसा चुराया ना? बोल, 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 रिसीता, बोल, कहाँ है पैसे? बोल, ये, बोल रे, बोल, बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल, 50-60 लोगों से पूछ लिया सर, चोरी करने वाले इस एरिया के नहीं है। तो दूसरे स्टेट से आए ये कहना चाहते हो क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपके आदमी ने बताया वो कोई और भाषा बोल रहे थे। मुझे लगता है लूटने वाले बहुत दिमाग वाले थे, कहीं भी कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। कम से कम उन्होंने 5-6 महीने प्लान बनाने के बाद ये काम किया सर। उन्होंने जो भी हथियार इस्तेमाल किया सब मॉडर्न थे सर। लगता है उन क्रिमिनल्स के पास बहुत दिमाग है। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ मुझे। सर आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए फिर। पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो पूरी ब्लैक मनी है सर। ब्लैक मनी का भी तो वैल्यू होता ही है ना सर। मेरी वैल्यू, इस कंपनी की वैल्यू, सब चली जाएगी, इसकी परवाह नहीं है क्या? ये भी सही बात है सर। अब आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरी नजरों से बचकर वो कहां जाएंगे? जिस दिन वो मेरी नजरों के सामने आएंगे बच नहीं पाएंगे। शुक्लाम वर्धनम विष्णु शशिघाटम चतुर्भुजम प्रसन्नोत्तम नित्यायतम सर्वविघ्नो प्रशान्ते गजानन परमार्कम गजानन मार्जितम एकदंतं भक्तानां। रंगनाथन? नहीं जी सत्य। मैंने अपना नाम बताया, टिकट मेरे पास है। बस बाहर खड़ी है, जाकर बैठिए, वो जाइए।
ए, ये ले पकड़ यार, इनका चेहरा देखा है, इनके लिए बिस्किट के पैकेट वो भी फ्री में, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी। अरे मैडम आइए, जल्दी जल्दी चलो ना, ऊपर आइए आराम से। चाचा कैसे हैं? अरे किसे तुमने चाचा कहा? अच्छा चाचा नहीं, आप तो ताऊ जी है ना। आइए अंदर आइए, आप तो जवान है ना, तो अंदर आ जाइए। चलो पीछे हटो। आइए मैडम आप आइए, सत्या। गुड मॉर्निंग सत्या। ओ अन्ना जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे हो ना? तुम्हारी मेहरबानी से अच्छा हूँ भाई। मेरी कहाँ, सब भगवान की मेहरबानी। क्या कह रहे हो भाई, तुम्हारी वजह से मैंने जो फ्लैट शहर में लिया था ना, उसे डबल भाव में बेच दिया है। ओ उन पैसों से अब जो जगह तुम मुझे दिखा रहे हो, आंखें बंद करके मैं दो फ्लैट खरीदूंगा। थैंक्स अन्ना जी। अब बस में जाकर बैठिए, मैं भगवान के पैर पकड़ गया। पैर पकड़ा था वही भगवान है ना ये? हाँ वही भगवान। अच्छे से पैर पकड़ो, तुम्हें कमीशन मिलना चाहिए, मुझे भी भर भर के पैसा मिलना चाहिए। नमस्ते शर्वण। हाँ भाई नमस्ते, कैसे हो? अरे मेरा हाथ पकड़ना भाई। अरे मेरे हाथ थोड़े से गंदे हैं, ऊपर से मैं बैचलर भी हूँ। पर कोई बात नहीं, तुम भी तो गंदे हो। लेकिन मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, फिर जो तू देगा उसे लेकर मैं कैसे खाऊंगा? तेरा खाना साफ सुथरा रहेगा कि नहीं? अरे यार नीचे देखो, नीचे नीचे। नमस्ते भाई, उधर भगवान है ना, इसलिए मैं शूज निकाल कर आ रहा हूँ। वो क्या है ना, आज मेरा और मेरी वाइफ का संडे है, छुट्टी है ना, इसलिए मैं सारे बच्चों को भी ले आया हूँ। ये सारे बच्चे आपके हैं ना? अरे भाई ये सब मेरे ही बच्चे हैं। आप जाकर बैठिए, एडजस्ट कर। शुक्रिया भाई। अरे बच्चों को थोड़ा चढ़ाओ। अच्छा चढ़ाऊं मैं और पैदा तुम करो? अरे किसे पता, ऐसा तो ये कहती है। बिल्कुल सेम है, ये तो बाजू वाले के बच्चे हैं। ऐसी बातें खुले में नहीं बोलते चाचा। टीवी देखने के लिए बोल रहा हूं, चलो मैं तुम्हें एक्शन फिल्म दिखाती हूं। प्लीज गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। अरे ये फैन चालू किसने किया? उस तरफ घुमाओ इसे। ये मिस्टर सत्यम? हाँ जी। ये आपका ही ऑफिस है ना? हाँ जी। ए, सत्यम रियल एस्टेट हो? हाँ जी, लेकिन आप? शुभा, सुभाषिनी। अच्छा नाम है, लेकिन मैंने नाम नहीं पूछा। आप फोटो क्यों निकाल रही थी? जस्ट फॉर प्रूफ। प्रूफ? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लैंड देखने के लिए हमने रजिस्टर करवाया है। ओह सही कहा, आप बस में जाकर बैठिए, जाइए। वाओ, हाय, आई एम सतीश, एसीपी। एसीपी? उनका कमिश्नर पार्टनर हूँ। हाथ दीजिए ना। नो नीड। बट आई नीड। भाभी, थोड़ा खिसका हुआ है, पर आपको देखकर ठीक हो गया हूँ। हाथ दीजिए ना। मेरी ज्यादा उम्र नहीं है। झूठ। जो भी हो। ठीक है। अरे सामान पीछे रखवा दे। सब लोग आ गए ना? रखवा दे। समझ में आया? मैंने पूछा सब लोग आ गए ना? हाँ सब आ गए। हाँ ठीक है, चलें। मेरा बहुत फायदा हुआ। सत्या वही भगवान है ना? डन। हाँ लेकिन हाँ, चलो बहुत मानता ही है। हाँ सबको पानी दे देना, ठीक है? सभी बच्चों को भी दो तीन दे दो ना भाई, पानी की जगह ये पियेंगे तो सही रहेगा ना। अरे सुन, बच्चों को भी दे दे। अरे अरे पानी। अरे मैंने इन्हें जूस दे के पाला है, तो तुम भी जूस दो ना भाई। तुमने पाला? हाँ, मैं नहीं तो और कौन पालेगा? एक बात बताओ, जूस और पानी की कीमत एक ही होती है? हाँ तो फिर दे दो ना भाई इसमें से। वैसे जहर भी सस्ता है, वो दे दो। तुम्हें पियो। तुझे तो पानी की जगह मैं जहर दे दूंगा। अरे चुप हो जा यार, मुझे प्यास नहीं लगी। अरे प्यास नहीं लगी तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का बैग दिया ना तुझे, जो भी वो देता है वो सब उसके अंदर रखती चल जाए चुपचाप। उसके बाद जब हमें मौका मिलेगा तो हम उसमें से खा लेंगे। ओके ओके। हर सीट पे जाओगे क्या? अगर जगह अच्छी होगी तो देख भी लेंगे। पापा हो गया हो गया, ये लीजिए। अभी लीजिए। हमें जगह नहीं पसंद आई और हमने ली नहीं, ऐसा कहेंगे, और खा कर भी गए ये भी कहेंगे बाद में आप। अरे ऐसा नहीं, मैं वैसे बात नहीं बोलूंगा। नहीं चाहिए, वापस आएंगे तो जरूर लेंगे, अगर जगह पसंद आ गई तो। उस तरफ आपने लिया? हाँ ले लीजिए। अरे एक और तो लीजिए, आपका सिंगापुर आ गया है, सिंगापुर आ गया। उतरिए उतरिए जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन। क्या सिंगापुर? हाँ सिंगापुर ही समझ लो, वैसा ही क्लाइमेट है यहाँ पर। चलो आगे चलो। हाँ, इस तरफ तो आप भी चलो, चलो, चलो आप भी चलो। अरे भाई खाना खा, चलो जल्दी 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 करो, यहाँ मत खड़े रहो, उस तरफ जाओ। अरे हाँ चलिए चलिए चलिए, अरे जल्दी जगह पकड़ लो, जल्दी जल्दी जल्दी, बैठा बढ़िया बढ़िया। अरे उधर देखना, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कार पार्किंग, प्लेग्राउंड, स्कूल, मल्टीप्लेक्स, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, टेंपल, चर्च, मस्जिद, लाइब्रेरी, हॉस्टल, जिम,
टास्मार्क भी है। बीच के नाम पर एक बोट नहीं है बस। ए भाई, एक और रखो ना। इसके लिए आते हो लगता है। अरे एक और रखो यार। इसे क्या शादी घर समझा है क्या? अरे भाई एक और डाल दो। ये लो पूरा ही ठूस लो, जल्दी से डायबिटीज होके मरो। वाह वाह वाह, थैंक्स, बहुत प्यारे आदमी हो। अरे जो भी बचे ना वो सब इसमें डाल लो। चलो चलो समेट दो, चलो चलो। ये देखिए इसमें फल नहीं आएगा। हाँ। ये सिर्फ छांव के लिए लगाया। अरे छांव के हिसाब से क्यों लगाया है? खाने के हिसाब से लगाना चाहिए था ना। वो मंडप में खाने के हिसाब से इंतजाम है ना। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ, वो तो बोलो ना। अरे सुनो, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनो यार, क्या देखो, तो आप खाने की बात करते रहते हो। भूख कर गई। अरे लेकिन दो फ्लैट ले रहा बोला था, लेकिन अब तीन फ्लैट ले रहा हूँ। ऐसा क्या? तो फिर आप ही हैं प्रेसिडेंट? मैं प्रेसिडेंट क्या? आपके टैलेंट और खूबसूरती को देखकर आप ही प्रेसिडेंट हैं। आप भी ना। ओ, तुम ताली क्यों बजा रहे हो? उसने तीन फ्लैट लिया तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। मैं एक और फ्लैट लेकर के आता हूँ, पैसा लेकर के आया हूँ। रुको रुको, हटिए तो अभी उसको। अरे छोड़ो ना मुझे। अरे मैं निकाल। चलो पैसे रखो। ये देखो सारा उड़ेल दिया मैंने। देखो इतने सारे चिलर्स कहाँ से इकट्ठा किए? अरे तुम्हें क्या बताऊँ मैं, मैंने कहाँ से इकट्ठा नहीं किया ये। अरे ये सारा मेरा पैसा। एक मिनट बाद में करता हूँ। हाँ बोलिए। प्लॉट की कीमत क्या है? वो आपके लिए नहीं, ऐसा थोड़ी है। आइए कीमत कम कर देता हूँ, आइए। हेलो, हमारे लिए कम करके देने की जरूरत नहीं है, सबको जैसे देते हैं वैसे ही देंगे तो चलेगा। क्यों कर रहे हैं? ओके जी। अच्छा जी, आपने पढ़ाई या फिल्म देखी है क्या? क्यों, वो उसकी हीरोइन आपके जैसी दिखती है। भाभी, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना। नीलांबरी कहके भी बुला सकता था। शुभा, लुक वैसा ही है। आइए मिस्टर किशोर। ये केस आपके इलाके में आता है, इसमें क्या है देखिए। आनंद के पास दो आदमी थे, उसे शक करके उसने मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजा है। उन्होंने कहीं से यह पैसा लूटा है और आकर के यहां पर हिस्सा बांट कर रहे हैं। सर वन मिनट। इसे जानते हो क्या? नहीं जानता सर। लेकिन आनंद को पता है, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, लेकिन कह रहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है, तो उसे यहाँ बुलाओ और उससे पूछताछ करो। पूछता हूँ सर। बोल, बोल कहाँ है वो पैसा? बोल कहाँ छुपा कर रखा है? बोल, बोल। बोल ना। तेरे साथ में जो है वो कौन है? तेरे साथी है क्या? साथी है क्या? बोल, बोल। गिन गिन कर पैसे दे रहे थे, वो पैसे तेरे बाप के घर का है? हाँ, तू इस गैंग का लीडर है क्या? हाँ, जब तक तू नहीं बताएगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर मैं आनंद बोल रहा हूँ, वो उसकी जान ले लेगा सर। चल बता, बता दे। लूट वाली जगह पे अगर तुझे ले गया तो मैं वहाँ इज्जत से तुझसे बात नहीं करूँगा, एक एक नाखून खींच कर तुझसे सवाल करूँगा। बोल। नहीं बताएगा तो ऐसे ही पिटते रहेगा। सर क्या है? बड़े साहब आए हैं। सर वो वहां नहीं है। कहाँ है वो? सर बुलाकर पूछताछ करने को कहा था, क्या हुआ? पूछताछ कर रहा हूं सर। उसे यहां बुलाओ। सर वो ऐसा है कि। बुलाइए उसे। यही है क्या तुम्हारे स्टाइल से पूछने का ढंग? वो पैसा किसका ये पता चला? सर ये मुंह नहीं खोल रहा इसलिए। पैसा चोरी हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेंट हुई है क्या? नो सर। मैंने जो कंप्लेंट दी थी उससे 6 महीने हो गए, अगर तभी पूछताछ करते तो मैं इतनी मार नहीं खाता। तूने कब और कहां कंप्लेंट की? सॉरी सर।
मैंने जो कंप्लेन की वो यहाँ नहीं है सर। सर प्लीज सर। अरे भाई हमारे तेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। सर याओ। सर क्या है तेरी समस्या? सर डेली कंप्लेन करने के लिए आता हूँ सर, लेकिन आपका राइटर कंप्लेन ले ली है ऐसा साइन करके नहीं दे रहा है सर। कैसी कंप्लेन? ये देखिए सर, एब्सकॉन्डिंग शिवा नाम का आदमी, वो 5 महीने से दिख नहीं रहा है सर। किसे फंसाया है उसने? सर बात ये फोटो देखिए सर, सिर्फ फंसाए नहीं सर, मारपीट चोरी डकैती ऐसे कई कारनामे करके ये भाग गया है सर। ये हमेशा ऐसा करता सर, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये गायब है क्या? हाँ सर। क्या खेल खेल रहे हो? क्यों बे, हम तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं क्या? क्यों सर? तुम्हारे फोटो को तुम ही दिखाकर गायब हो गया कह रहे हो? आप ऐसा ही पूछेंगे, मुझे पता था सर। सर ये मैं नहीं हूँ सर, मेरा भाई है। सारे फोटो देखिए सर, एक्चुअली हम जुड़वा हैं सर। ये वो है सर शिवा, और ये मैं सत्या। सर वो डबल रोल वाली फिल्म याद है? राजा राजा को फिल्म में दिखाया था सर, एक आदमी गलती करता है दूसरा भुगतता है सर, वैसा ही केस है सर ये। हाँ सर, करता वो है और फंसता मैं हूँ सर। उसे कैसे भी पकड़ के थोड़े दिन अंदर डाल दीजिए सर, तभी वो सुधरेगा। यही सर, लोकल पुलिस स्टेशन पे दी हुई फोटो है सर। कंप्लेन भी रजिस्टर हुई है लेकिन FIR अभी तक नहीं मिला है सर। अब क्या कहना चाहते हो? इसे कोर्ट में सबमिट करोगे? इसे मारा है केस कंप्लेंट में नहीं है, एविडेंस नहीं है, FIR लिख सकते हैं। हकीकत में तुम्हें सस्पेंशन मिलेगा। सॉरी सर। पहले इसके भाई को ढूंढने का रास्ता देखो। यस सर। कम ऑन, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। सॉरी सत्या, हमने जो वीडियो देखा है तुम्हारे फेस से वो फेस मैच कर रहा था, इसलिए गलती हो गई। इसे ले जाकर घर छोड़ करके आओ। यस सर। नहीं चाहिए, पुलिस की गाड़ी में जाएंगे तो गांव वाले देखेंगे, मैं ऑटो में चला। ठीक है। सर गलत मत सोचिएगा सर, 100 रुपया होगा तो दे दीजिए सर, मुझे रिक्शा में। वो मैं समझता हूँ। ₹500? इट्स ओके। थैंक यू सर। देख रहा है तू, अपनी पूरी सर्विस में किसी पुलिस वाले को पैसा देते हुए पहली बार देख रहा हूँ। तो हम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई।
चलो चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो 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 पीछे जाओ। सतीश आइए, लो निकलो निकलो, चलो चलो। उस एसीपी को रखकर कुछ एडजस्ट करने का। तू समझता है ना पुलिस का काम कैसा होता है? क्या कह रहा है तू? हाँ क्या हुआ था? बाहर निकालो उसे, हाँ बाहर निकालो, अभी कैसे निकालो बाहर? अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आपका पैसा किसने लिया हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों ने पैसा नहीं लिया आपका। अरे हमारी बात सुनिए, हमने तुम्हारे भरोसे पैसे दिए थे तो उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार और कोई नहीं है। अरे हम कैसे जिम्मेदार हुए? कंपनी वालों से पूछो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चलो यहाँ से जाओ। अरे इनकी क्या सुन रहे हो? मैं खुद देख करके आ रहा हूँ, वो गुंडे धमका रहे हैं हमें। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए। अरे हमने कुछ नहीं किया है। उसने हमें गलत जगह दी सर, हम सब लोग उसके झांसे में आ गए सर। पेपर्स भी डुप्लीकेट है सर, वो एक फॉरेस्ट लैंड है सर। उस जगह को साफ करके हमें बेवकूफ बना दिया है सर। मैंने 4 प्लॉट लिए फ्री में लिए हो क्या? प्रेसिडेंट बनने के लिए तुमने प्लॉट लिए थे ना? चिल्लाना छोड़ो, क्या हुआ है वो बोलो, क्या लफड़ा तुम्हारा? जले पर नमक मत छिड़को सर, पहले से जला हुआ हूं। सर मैंने पता नहीं कैसे कैसे सर चुन चुन के पैसे इकट्ठे किए थे और इनको लाके दिए और ये पैसे लूट के ले गया। इसको छोड़ो, तू तो बोली मत, तुम्हें मार दूंगा। ये आदमी एडवांस लेकर बैठा हुआ सर, ऊपर से इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसकी साली सब ने पैसे खाए और झूठ बोल रहा है। पार्सल के लिए पैसे लिए थे तूने, उल्टा इससे हमें पैसे लेने सर, पैसे दिलवाइए। जाइए उस तरफ जाइए, उधर रेलवे स्टेशन आ रहा है, मंदिर आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है, स्कूल आ रहा है, ये बोल के हमें फंसा दिया सर इन लोगों ने सर। हाथी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, ऐसा कह के हमें उल्लू बना दिया है सर। बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। पेपर्स देखे बिना तुम्हें किसने एडवांस देने को कहा? इनको बोलिए सर शराफत से यहाँ से निकल जाए, वरना देख लें पुलिस वालों को बोल के अंदर करवा दूंगा। क्या बोल रहा है? पुलिस से हमको पिटवाएगा? ज्यादा परेशान करोगे तो गाड़ी बुलाकर सबको अंदर लेके जाऊंगा। कोई भी मामला हो तो पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट में जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यार। शिवा ने गलती की और पुलिस यहाँ पर पहुँच गई। हमारे पूरे ऑफिस को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। तेरे को पता है वो सब अंदर के अंदर हैं। सुन, इन लोगों को पुलिस भी अपने ही संभाल सकती, चलकर बात कर ले। ए, फैन को क्यों फूंक रहे हो ऐसे? थैंक्स बोलना चाहिए भाई, मैंने आधा ऑफिस बचा लिया। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है तू, बस कर। ऑफ। मिस्टर सत्या, इन सारे लोगों ने अपने पैसे तुम्हें ही दिए थे। पुलिस के डराने से तो वो लोग चले गए, लेकिन मैंने किसे पैसे दिए थे वो याद है ना? या नहीं है? इसलिए प्रूफ के साथ आई हूँ, ये देखो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भरोसे ही पैसे दे रही हूँ। मेरी माँ के मरने से पहले उन्होंने जो पैसे दिए थे वही एडवांस के तौर पर दे रही हूँ। तुम्हारी सारी डिटेल्स मेरे सेल फोन पर ही है, ये ध्यान रखना। ओके ओके। भाभी रिकॉर्ड कर रही हो ना? हंसकर पोस्ट दोगे या ऐसे ही रहोगे? क्या बोलने का? इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। इसमें है जो 2 लाख रुपया? लेने वाला सत्यम मैं हूँ। लेने वाला सत्या जो मैं हूँ, इसके लिए प्लॉट नंबर 24 के लिए उसका एडवांस देने को कह रहा हूँ। इन केस इन पैसों का? इन केस अगर पैसों को लेकर लैंडलॉर्ड ने फंसाया तो इसका पूरा जिम्मेदार मैं रहूंगा पूरी तरह। और ये सुभाषिनी का 2 लाख रुपया, ये बराबर लाइन से गई है ना? हाँ जी, आप सुपर है एकदम। ओके सर, हम लोग चलते हैं। हेलो सर, रुकिए ना जरा 5 मिनट। तुम मेरे पैसे कब और कैसे देने वाले हो? हाँ थोड़ा थोड़ा कर, थोड़ा बोले तो। वो एक महीने में चलेगा? 3 महीना बोले तो डेली 2000 रुपए, ठीक है ना? ये तो पूरी कैलकुलेटर जैसी बात करती है। तो मुझे भाभी आप इसे लीजिए। सर आप यहाँ खड़े हो जाइए प्लीज, गवाह के तौर पर। वो जरा ज़ूम कीजिए। हाँ कीजिए। तो अब बोलो, मैं सत्यम। सत्या हो या शिवम हो, वो सब मुझे नहीं पता है। गड्डी गड्डी जो पैसा निकाल कर गाँव भर बांट रहा है ना, वो सारा पैसा मेरा ही पैसा है और वो सारे बैग्स मेरे ही बैग्स है। उसको देख के सब कन्फर्म हो गया। वो लोग कौन है उन्हें तुम्हें ही पकड़ना है। उसके लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, ध्यान रखना। सर कैन आई हैव द लाइटर प्लीज? आप फिक्र मत कीजिए सर, दोनों भाई मेरे ही एरिया में रहते हैं ना, मेरी नजरों से बचकर आखिर वो जाएंगे कहाँ? हाँ थैंक यू। गुड नाइट जेंटलमैन। ए किशोर, ये उसके जैसा नहीं क्या? सर सर, जैसे कागज का हर टुकड़ा आपको पैसा जैसा दिखता है, वैसे ही हर इंसान आपको आजकल शिवा जैसा दिख रहा है।
उसके खिलाफ अगर किसी ने भी कंप्लेन की न सर, तो उसे अंदर डालकर उसकी इतनी पिटाई करूंगा कि सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ओ, आप लोग कब आए? एक हफ्ते हो गए हैं वो आपके जाल में फंसकर। अरे वो कहाँ है सर जी? दो दिन से कोई पैसे ही नहीं मिले। वो जो कमीशन आने वाला था ना, वो मैंने इनसे पहले ही काम अगर ये सुन नहीं रही है, कहा ना पैसे नहीं मिलेंगे, जाके पुलिस को कंप्लेंट कर दो। जाओ, ए, जाओ, जाओ, जाओ। क्या बोले? ओके चल। देखा कैसे भगा दिया मैंने। हेलो मैडम, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मैडम 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 हेलो मैडम मैडम हेलो प्लीज प्लीज मैडम, मैं देता हूँ, कह रहा हूँ ना। तुम्हें देने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसे कैसे निकालने हैं ना चाहती हूँ। मैडम बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। ए, वो कल मैं आकर दे दूंगा, कल आपके घर आकर दे दूंगा, प्लीज मैडम। ठीक है चल। अरे तुम्हारे लिए वेट करते करते मुझे देर हो गई। अब कब इसे स्कूल बस तक छोड़ूंगी और कब मैं घर वापस लौटूंगी? ऑटो से जाओ। ऑटो के पैसे क्या तेरा बाप देगा? मुझे भी पैसे नहीं देते। अरे भाई जरा छुट्टे पैसे स्कूल दे दो ना। क्या मुझे भीख दे रहे हो तुम? इसे ले जाकर स्कूल में ड्रॉप कर दो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है समझे? मैं बस से जाती हूँ। ठीक है तू जा, इसे अच्छे से ड्रॉप कर देना। बाय शुभा, बाय, गाड़ी निकालो। ए चल जा। अरे अब इस मोटे के साथ बैठना पड़ेगा। चल यार। अबे हाथी के बच्चे, ज्यादा हिल मत वरना मैं गिर जाऊंगा। वैसे ये बता, तूने इतने व्हाइट कपड़े पहने हुए? अरे स्कूल में आज असेंबली है, बिना व्हाइट कपड़े के स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। और तू स्कूल में जाएगा भी क्यों? अरे तुझे तो हमेशा होटल में जाना है, वहाँ पर खाना खाना है और मोटा होना है। के मार से भी ज्यादा तेज मार रहे हो। अरे चुप कर, और मारूंगा। नहीं ना मामा। सॉरी बोल। सॉरी अंकल। अंकल क्यों बोला? इसके लिए भी। अच्छा आ गया, अंकल बोलेगा। अरे स्कूल तो देखने का, थोड़ा और आगे जाना है। चल उतर, थोड़ा और आगे जाएगा। ये पकड़। अरे बाबा रे, तेरा कॉइन गिर गया जो उसे ढूंढ रहा है तू। तेरा सर फोड़ने के लिए पत्थर ढूंढ रहा हूँ। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, मारना मत। देख मुझे मारेगा तो मैं भी मारूंगा। अरे पागल बच्चा, चल यहाँ से, चल। अबे मोटे पागल है। सर मैं जो कह रहा हूँ ना वो सुनिए, मैं जल्दी ही पैसा भिजवा देता हूँ। क्या एक छोटी बहन भी है ना, उसके लिए भी ले लो। क्या है, प्रभु का अगवा कर दिया गया? बड़ा जोल बोल हो रहा है, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। अरे ये वो प्रभु नहीं, दूसरा प्रभु है, दूसरा वाला। आप फिकर मत कीजिए, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसे नहीं छोड़ूंगी? अरे मैडम मैं दूसरी लाइन पे बात कर रहा हूँ ना मैडम। अगर वो अभी मैडम नहीं आया तो मैं पुलिस से पहुंच जाऊंगी। पनौती हमारा पीछा नहीं छोड़ रही भाई। अरे क्या, अरे मैं सर को बोलने वाला था, मैंने आपको बोल दिया। क्या कहा मुझे? पनौती बोल रही है? नहीं सर, आपको नहीं बोला, आप नहीं बोला। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं इसको बोल रहा था। क्या बातें बात कर रहा हूँ? हम आपके घर के बच्चे को स्कूल तक छोड़ के आए थे। किससे ये सारी बातें कर रहे हो? उसके स्कूल से टीचर का फोन आया था, कह रहे थे कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। ये मेरा स्कूल है, मुझे यही छोड़ो, ऐसा ही कहा था उसने। वो मोटा हमेशा स्कूल से बंक ही मारता रहता है, और ये हमें फालतू में क्यों टॉर्चर कर रही है? मैं टॉर्चर कर रही हूँ? दूसरों की जमीन चोरी करके तुम बेच रहे हो, अब मैं पुलिस स्टेशन। और वहाँ जाकर क्या कहोगी? बोलो कौन सी कंप्लेंट करोगी? किडनैप किया है, ऐसी कंप्लेंट। कंप्लेंट से क्या होने वाला है? ये तो बोलो, तुम्हारी धुलाई ना करवा देना, तब मेरा नाम बदल देना, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। गुस्सा मत कीजिए, आपके बच्चे को कैसे भी हम लाएंगे। मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। वो ऐसा क्यों बोल रही है? ओके, वो मिस्टर प्रभु को, सॉरी मास्टर प्रभु को आपके पास ढूंढ कर लाता हूँ, कैसे भी ढूंढ कर आपके पास लाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं यही वेट करती हूँ। कहाँ? पीले जो पुलिस स्टेशन के गेट के सामने। अरे मैडम मैडम मैडम, सिंपल मैटर के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, आप ऑफिस के लिए जाइए मैडम। ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ आई हूँ। बैठ जाओ, जाओ। चुप चुप रहो तुम, घर जाइए मैडम। भैया भाभी घर पर नहीं है, वो शाम को आएंगे, और चाबी मेरे पास नहीं है। मतलब कि आप बीच में? और तू चुप कर। मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको नहीं कह रहा मैडम, पुलिस स्टेशन के सामने एक मंदिर है, मैं वहीं वेट कर रही हूँ। हाफ एन आवर के अंदर अगर प्रभु को नहीं लाए तो पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाऊंगी। जो करना है वो कर लो, हम लोग नहीं आने वाले। लाइन कट हो गई। अरे इसकी तो मेन बात तो रह गई, इसको मैसेज भेज दे क्या? कहाँ है वो? लेकिन तू इतना डर क्यों रहा है? कंप्लेन करती तो करने देना। पहले ही शिवा ने अच्छे से समझा दिया था, अभी किडनैप के जरूरी है क्या? ये सब शिवा को डील करना चाहिए था। अरे तू बाइक पीछे क्यों कर रहा है? एक बात बता, तू क्या मुझे यहाँ फिल्म दिखाने के लिए लाया है? ए, उधर देख, ये मोटा यहाँ पर क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन के अंदर ही जा रही हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारे प्रभु को ढूंढ लिए हैं? अच्छा हुआ तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब करवा देते। अरे तुम मेरी फिक्र छोड़ो, यहाँ प्रभु को भूत ने पकड़ लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, अरे वो जिद कर रहा है कि भूत वाली फिल्म देखेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? शाम तक क्या करूंगी, मैं भी यही सोच रही थी। एक काम करो, मेरी भी टिकट बुक करवा दो। वैसे कौन सा थिएटर है?
इससे अच्छी तो वो भूतनी है। तो चुप करो। कहीं क्या? हाँ। अरे जब पता है कि इस घर में भूत है तो अंदर क्यों जा रहा है तू? निकल ले। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं थोड़ा करके आता हूँ। ठीक है ठीक है, जा। अरे नहीं, कुछ और ना लग जाए, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। चला गया, चला गया मेरा पॉपकॉर्न। सर प्लीज सर। नहीं नहीं चाहिए, नहीं नहीं प्लीज ना भाई, नहीं नहीं चाहिए। ए साइड में जाओ ना। ओके। अब समझ में आया भूत की फिल्में हाउसफुल क्यों होती हैं। भूत चला गया क्या? मुझे कैसे पता? सॉरी, तू वहां क्यों चला गया? सॉरी 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 सॉरी। एक बात बता शिवा, हम लोग सही जगह पर तो आए हैं ना? लास्ट टाइम तो सब कुछ बड़ा पुराना पुराना सा था, अभी सब कुछ बदल गया। लोकल गाड़ी की जगह फॉरेन गाड़ी, और लुंगी की बजाय सब सफारी पहने हुए हैं। बैनर वर्कशॉप की जगह गारमेंट का काम हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है यार? उसे ढूंढना है। गाड़ी निकल क्यों? किससे मिलना है आपको? वो बॉस से मिलना है। आप नहीं मिल सकते, जाइए अभी। अरे सर ने हमें यहाँ बुलाया है। मैंने बोला ना नहीं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, एक मिनट। चलिए सर जाइए। कौन है आप लोग, क्या चाहिए? सर वो वीआर प्रमोटर्स के मालिक आप ही है ना? नहीं भाई, वो दूसरा है, मैं जस्ट उसकी जगह लेकर बिजनेस कर रहा हूँ। सर स्वर्ग भूमि के लिए जगह देता हूँ बोलकर जगह बेचे थे ना सर, उसका पैसा। डेली कितने लोगों से कहूँ मैं? हाँ चुपचाप एक बोर्ड लिखकर लगा दो, पहले पुलिस कंप्लेंट दीजिए। ओके सर। सर देखो वो अलग है, मैं अलग हूँ। सर एक मिनट सर, सब चेंज किया लेकिन गाड़ी का नंबर चेंज नहीं किया सर। 1 2 3 कोई सेंटिमेंट है सर? सर क्यों डरा रहे हो क्या? सर डरा नहीं रहा हूँ, मेरे भरोसे पर सबने पैसे दिए। मार कर भगाओ इन्हें। मुझे तू इनको कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? शिवा है, चल गाड़ी पर बैठ। एक घूर के क्यों देख रहा हमें? अरे जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। जल्दी चले। अरे निकल रहे ना अब, तू कभी हमारे इलाके में आ तुझे बताएंगे। चल चल निकल ले यहाँ से, जल्दी चल निकल। अरे रे रे, अंधा हो गया क्या? जरा गाड़ी से बाहर निकल। अरे ओ सर सॉरी सर, गलती से मुंह से निकल गया सर। मालिक को बुला कर ला। पर किस लिए सर? कारण बताऊंगा तभी बुलाएगा। अरे नहीं सर, आपको जो बात कर रहा हूँ उसे बात कीजिए। चाय कॉफी कुछ लेके क्या? मक्खन मत लगा, जा बुला कर ला। हाँ, बुला के लेके आता हूँ। गाड़ी में अपनी दीदी का क्लासमेट है, वो उनसे मिलने के लिए आया है। क्यों रे, तू क्या अपने आप को हीरो समझता है? मेरा मतलब तूने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। सुन, वीआर प्रमोटर्स का एमडी अलग, हेवी एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स का अलग, तू अपनी कंप्लेन वापस ले ले। ले लिया क्या सर? नहीं वापस ले लेता हूँ सर। हाँ बिना सबूत के तू क्या कर लेगा? अब अपना ही देख ले, तू सत्या नहीं है
शिवा है, लेकिन ये भी डाउट है, प्रूफ नहीं है ना? नहीं मिलेगा सर। क्या नहीं मिलेगा? वो लुटा हुआ पैसा? नहीं सर, मेरे पास प्रूफ नहीं मिलेगा, ऐसा बोला सर। वो शिवा है, मैं सत्या हूँ, वो लफड़ेबाज है सर, मैं शरीफ हूँ सर। मेरे पास अब तो कितना शरीफ है मैं भी देखता हूँ। उस दुकान में जा और सर के लिए एक ब्लैक स्कॉच विस्की की बोतल लेकर आ। सर जा रही हूँ सर। अरे आराम से चला, ये बोतल कितनी कीमती है पता है? ये कितने का भाई? 20 रुपए के भाई। और शक्ल के लिए बहुत कॉस्टली होगा। तू कुछ भी बोल यार, विदेशी माल विदेशी ही होता है। अच्छा इसके कितने पैसे दिए? 3,500 रुपए। 3,500 रुपए सर। तू भी नहीं यार, एकदम बुद्धू हो। अगर मैं जाता तो वो मुझे 3,500 देता। कैसे आप भी? आप पुलिस वाले हैं, मुझसे क्या तुलना सर? कहाँ जाना सर? सर उधर लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में, लेफ्ट में। कौन है आप? नमस्ते। नमस्ते। नीचे गाड़ी में एसीपी किशोर हैं, 10 मिनट में आते हैं बोले, ऐसा कहा उन्होंने। अरे ऐसे रात को आने के लिए मैंने कितनी बार मना किया है, अंदर मेरी छोटी बहन है, सुबह आने को कहिए ना सर। तो जाकर गाड़ी में बैठ जा और तुम मेरे साथ आ। अरे आजा मेरी बहन। आपसे विनती कर रही हूँ, चले जाइए। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, जानती है? तो कुछ भी बोल, विदेशी माल विदेशी होता है। प्रमिला आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, चल आ जाना, चल ना, चल ना बेडरूम में चलते हैं, चल आ जाना। अरे क्या कर रही है तू? मत कीजिए ना। क्या है वो? मेरी छोटी बहन है, पढ़ाई कर रही है। हे प्रमिला, तूने तो मुझसे कहा था कि तेरी बहन छोटी बच्ची जैसी है। वो तो जवान है रे। वो छोटी बच्ची, छोटी है बच्ची। ठीक है तो उसे चॉकलेट देकर आता हूँ। अरे अरे छोटी बच्ची है इसलिए उसे जरा लाड़ करके आता हूँ। क्या कर रही है तू? अरे मुझे जाने तो दे, क्या कर रही है? इतनी तेज आवाज आई वो भी तुझे सुनाई नहीं दी? कौन सा गाना सुन रही है तू? लव सॉन्ग क्या? अरे जबरदस्त सॉन्ग है ये तो। क्या हे जब तूने कुछ नहीं सुना तो वो कैसे सुनेगी? अरे वो बाथरूम में है और सेफ। चल आजा, हम लोग एंजॉय करते हैं, बहुत मजे करेंगे। आजा आजा। अरे अरे आ भी जा, नखरे क्यों कर रही है? चल आजा। अरे मैं तेरा जीजा हूँ रे। क्या कर रही है? कौन है रे? तू है? सर, 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 नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हे आनंद, अंदर आ जाओ। सर सब लोग नाक क्यों बंद करके रखे? सर आप जिस लिए बंद करके आए हैं उसी लिए सर। क्या मतलब? सर पुलिस स्टेशन में बहुत बदबू आ रही है सर। सर पब्लिक तो हमेशा कहती थी लेकिन अब हम भी यही कह रहे हैं सर। ड्रेनेज प्रॉब्लम सर। फोन क्या है, अभी आ जाएंगे सर। गाड़ी आ गई है सर। अरे कमाल है सर, फायर सर्विस से भी ज्यादा फास्ट सर। यू कैन गो। ओके सर। आपको बदबू नहीं आ रही है क्या सर? हाँ आ रही है, आ रही है, तुम जा सकते हो, जाओ। ओके सर। ओके इतनी जोर से मारा है कि बदबू भी समझ में नहीं आ रही। हाँ छोड़ूंगा नहीं, तुझसे बदला जरूर लूंगा। go, 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 go.
अब समझ में आया, तू ही शिवा है और तूने सत्या का भेष बदला हुआ है। मैं तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगा, मैं ये राज सबको बताऊंगा। क्या है भाई? सर प्रेशर पंप लकड़ी सब डाल के देख लिया सर, कोई काम नहीं बना सर। हॉल में एक गड्ढा है सर, उसमें से कचरा निकालना पड़ेगा सर। बोल रहे हैं कि 3-4 घंटे लगेंगे। तो अभी क्या करें? सर पहले से ही बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब कचरा निकालेंगे तो सबको चक्कर ही आ जाएगा। तो क्या सारे पुलिस वालों को घर भेज दिया? नहीं, ऐसा नहीं सर। तो फिर नहीं? नहीं सर, वही है सर, सत्या ही शिवा है, कसम से सर, वो सत्या की एक्टिंग कर रहा है सर। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी नजरों से वो बच नहीं पाएगा सर। बिना दरवाजा बंद किए बड़े साहब काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बड़े साहब ऐसे ही हैं, कुछ भी बंद नहीं करते हैं। सॉरी सर। आनंद सर यहाँ आओ। आया सर, आ गया सर। लगता है अब इनकी परेड शुरू होने वाली है सर। सर देखा क्या? सर अभी देख रहा हूँ सर। ये आपके नाक पे चोट कैसे? इसे छोड़ो, वहां देखो, वो पुलिस स्टेशन में दारू पी रहे हैं। सर मैंने ही परमिशन दिया है सर। क्या? हम लोग बाहर भी नहीं खड़े हो पा रहे सर, इनको नीचे उतर के काम करना पड़ता है, बिना पिए इनका काम नहीं चलता है सर। ओ, पीने के बाद ही काम करेंगे? यहाँ पियेंगे तो मेरा भी मन करेगा। जल्दी से निपटाने को कहो। जी सर। अरे जल्दी करो। ओके ओके। सर नाक में मार लगी या फिर कोई? क्या कहा? भला मुझे कौन छू सकता है? फिर कैसे सर? रात को पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया, तभी एक खुजली वाला कुत्ता आया और सब कुछ खराब कर दिया। किसे खराब किया? कौन बीच में आया? अरे ओए कुत्ता यार। अच्छा उस कुत्ते को खुजली वाला कुत्ता बोला आपने? हाँ यार। सर गली का कुत्ता था या पागल कुत्ता सर? नहीं उसके लिए कॉर्पोरेशन है इसलिए पूछा मैंने। पागल कुत्ता था लेकिन रात को कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था। अब जब तक मैं अपने हाथों से उसे पकड़ ना लूं मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। लेकिन सर उसके काटने से कहीं आप ना पागल हो जाए। नाक बंद कर। अरे ये एक और गाड़ी क्यों? सर हम तो अभी आ रहे हैं सर, ये किसने किया सर? वो हमें नहीं पता है। फिर कौन कर सकता है सर? सर समथिंग इज रॉन्ग, कम ऑन। हे खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? अंदर जाकर देखो क्या है अंदर। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे सर यहाँ तो एक बहुत बड़ा गड्ढा है और सर और यहाँ से एक लंबी सुरंग भी जा रही है सर, जो बाहर वाली गली में मिलती है सर। अपने पुलिस स्टेशन के पीछे की जगह, इसलिए इस रोड से पुलिस वाले आते जाते रहते हैं, उनके लिए इस रास्ते से अंदर आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन लोगों ने यह रास्ता अपनाया। इधर इस सर। क्या रिपोर्ट करके आए थे? सर उन्होंने कहा कि ड्रेनेज क्लीन करना है और पुलिस स्टेशन के रास्ते वो लोग यहाँ तक आए और उस शटर के ताले को काट कर भाग गए। सर इन सारे नोट को देखकर यही लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर लूटपाट करने के लिए ही आए थे। इस गोडाउन में जिस तरह की गाड़ी हमेशा आती है सर, उसी तरह की गाड़ी में वो लोग आए और भाग गए। तुम्हारे कंट्रोल में पुलिस स्टेशन है, मुझे शर्म आ रही है। उससे बड़ी बदनामी यह है कि अंदर पुलिस वालों से परमिशन लेकर अंदर दारू पी करके वो अंदर गए। आई विल कम। कोई भी कारण बता दो पर मीडिया वालों को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। ओके सर। ये गोडाउन किसका है? मेरा है, मेरा ही है जी, गलती मेरी ही है। अरे अरे इतना करोड़ पुलिस स्टेशन के बाजू में रहेगा तो हिफाजत में रहेगा सोचकर छुपा कर रखा था गोनी गोनी पैसा। गोनी गोनी चला गया मेरा गोनी गोनी चला गया। सर यस सर, आपसे मिलने के लिए पुलिस वाले आए हैं। आइए आप लोग इतने फास्ट आ गए। गुड मॉर्निंग सर। हमेशा लेट ही आते हो, बैठिए। थैंक यू। कहिए आपके गोडाउन में? हाँ पता अभी मैंने सुना है, मेरे गोडाउन में चोर घुसे थे यही ना। वहाँ क्या क्या चोरी हुई? अगर आप कंप्लेंट देंगे तो हम एक्शन ले सकते हैं सर। वो देखिए, वो दिख रहा है ना, नया बनाने वाले ब्लॉक्स हैं, उसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसके 4-5 गोडाउन है, बोले तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सारी चीजें रख सकते हैं,
वैसे क्या क्या चोरी हुई है उसका हिसाब ले रहे हैं क्या आप लोग? कैश कितना गया सर? क्या जी कैश? क्या कैश ले जाकर गोडाउन में रखूंगा मैं? क्या पागल हूँ क्या? नो कैश डीलिंग, ओनली वाइट। आपको चाहिए था तब मैंने आपको चेक ही दिया था ना। ये तो बस जोक है। सर वहाँ पर बहुत सारे नोट बिखरे पड़े थे। अरे कुछ नहीं मिला होगा, इस जलन से मुझे भीग डाकर गए ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फिंगरप्रिंट्स है ना? है ना सर, उससे ही आप लोग पता कीजिए। कुछ भी चोरी नहीं हुआ अगर आप ऐसा बोलेंगे तो भी हमें एक्शन लेना ही होगा। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर से ही आए हैं ना, कितनी बदनामी होगी आप लोगों की। जल्दी से इसमें कौन कौन है ये पता लगाइए। उस हीरो को मुझे भी देखना है। वो सिर्फ ऊपर से ही बोल रहा है, अंदर से वो उबल रहा है। हाँ सर, चोरी के बारे में कंप्लेंट नहीं करना चाहता है, ये बड़ा चोर होगा। करोड़ों के हिसाब से पैसा चोरी हुआ है, इसे ही अटका कर चला गया। हाँ सर। ठीक है, वो शिवा को ढूंढा क्या? अब वही ना, स्टील फैक्ट्री का ओनर है, उसका पैसा लूटा है जैसा हम लोगों ने डाउट किया था। सर स्टील फैक्ट्री के मालिक का पैसा था ये आपको कैसे पता चला? वो इसलिए, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ और तुम असिस्टेंट कमिश्नर, इसीलिए तुम सत्या को फॉलो करते हो मैं जानता हूँ। व्हाट अबाउट शिवा? सर मुझे लगता है कि सत्या ही शिवा के भेष में, ऐसा मुझे शक है। किशोर, तुम प्रमिला के घर पे गए और वहाँ पर नाक में चोट खाई, इतना काफी नहीं है। सर ये बात आपको कैसे? मैंने भी सत्या को फॉलो किया, इसका चेहरा उसके जैसा, उसका चेहरा इसके जैसा, ऐसे मत घूमो। प्रूफ चाहिए, प्रूफ, जाकर पहले उसका इंतजाम करो। यस सर। अब मैं इसे कैसे बनाकर पूरा करूंगा? कॉर्पोरेशन, वाटर, सिवेज, सभी का क्लियरेंस, फायर, कितने लोगों को मैंने सेटल करने के लिए रखा था वो पैसा। कूल सर। यस। कूलिंग ग्लास सर। सर मैं इनको रोक रहा था लेकिन ये अंदर आ गए। तुम बाहर जाओ। थैंक यू सर। क्यों, कूलिंग ग्लास भूलकर चले गए, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो क्या? सर आप देखो वापस आए हो तो वो बात कहो। अब सर जिसने आपके पैसों को लूटा उसे मैं जानता हूँ सर, अगर आप कहेंगे तो फिर। क्या वोट मांग रहे हो क्या? सर नहीं सर, वो इस काम के लिए कई महीनों से प्लान कर रहा होगा क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि आपके पास करोड़ों का काला धन है। कौन है वो? अरे वही सर, सत्या या शिवा। दो लोग थे क्या ये? लोग ये बता रहे थे? मैं उनके बॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। पकड़ पाओगे या नहीं? वो दो भेष बनाकर रहता है सर, लेकिन बिना प्रूफ के हमारा डीसीपी मुझे कुछ करने नहीं देगा। दो दिन का टाइम दीजिए सर, उसे मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हें कितना चाहिए? अब अरे 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 अरे, क्या जबरदस्त बिल्डिंग बना रहे हो आप सर। जब ये बिल्डिंग बन जाए तो टॉप फ्लोर पर एक पेंटा हाउस सर। क्या? कोई भी फ्लोर चलेगा सर, बस थ्री बेडरूम हॉल सर, बस। हाँ, देता हूँ, लेकिन उस सत्या को दो ही दिन में पकड़ना सत्या है। नहीं सर, शिवा। हेलो सत्या। हाँ बोलो। आपका भाई खो गया है ऐसी कंप्लेन की थी ना आपने, और पुलिस वाले भी उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। कहाँ? पर मैंने ढूंढ लिया है। कहाँ? एक सिग्नल पर रुकी थी, तब बगल में एक औरी कार में गाना सुनते हुए कोई स्टाइल में बैठकर जा रहा था। मैंने भी जानना चाहा कि कौन है, तो वो बिल्कुल आपके जैसा ही था। और अब मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। फॉलो कर रही हो? किस में? ऑटो से। अब ये सब जानना जरूरी वो है? नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं उसको फॉलो करती हूँ और वो कहाँ रुकता है ये आपको फौरन बता दूंगी। आप पुलिस को लेकर पहुँच जाइएगा। ओके जी, ओके जी। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी तो घर में, घर में हूँ। क्यों? आप रेडी रहिएगा, हो सकता है आज से आपका शनि उतर जाए। थैंक्स जी, थैंक यू सो मच। शुभ। क्यों जी, ये मुझे नहीं पता मगर थैंक यू। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो आपके घर की तरफ ही जा रहा है। क्या बोल रही हूँ शुभ, वो यहाँ आया तो मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है शोभा। मैं हूँ ना, तो डरने की क्या बात है? तुम छोड़ो जी, कहीं और चला गया होगा। आपके घर में ही जा रहा है। ऐसा क्या? घर के अंदर चले जाइए। चला गया? दरवाजे पर ताला लगा दीजिए। लगा दिया? और बाहर मत आइएगा। पक्का नहीं आऊंगा। डरिएगा मत, मैं हूँ ना। ओके शोभा, ओके, बाय 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 बाय। यही साइड में रोक दीजिए। गाँव में क्या पूरी दुनिया में नहीं है ऐसे भाई? अभी लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। हेलो, आपसे ही। कहाँ जा रहे हैं? तू कौन है? हा?
मैं आपके छोटे भाई से शादी करने वाली हूँ। लव? वो लव करता है वो बच्चा? कोई बात नहीं, उसे जरा दो जमा कराता। अब वो घर में नहीं है। दरवाजा बंद भी नहीं किया है, अंदर से बंद करके बाहर चला गया है। ओह रियली? ये वो करने वाला काम नहीं है ना, ऐसा वाला। यो ब्रदर, उससे सेपरेट बात करनी है जरा। आई विल बी बैक, वेट प्लीज। दरवाजा खोलो। क्या आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं? तू कहाँ भाग रहा है? उसे मारकर पुलिस के हवाले कर देंगे। आप लोग ऐसे खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हैं? अरे बेटी, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें जान से मार देगा। अरे हम लोग पहले से ही बहुत डरते हैं, ये सब हमसे नहीं होगा। इस इलाके का बच्चा बच्चा उस आदमी से डरता है बेटा। एक हफ्ता हॉस्पिटल में पड़ा था उसी की वजह से। तूने देखा क्या? यस सर, आप भी देख लीजिए सर। कंफर्म ना? कंफर्म सर। कम ऑन प्ले। ये शिवा ही है। hey, ये लाइव ही है ना? हाँ सर, जस्ट अभी ईमेल आया है कि वो इसी घर में है सर। क्या अजीब बात है आनंद, हमारी बिछाई हुई जाल में चूहा अपने आप फंस चुका है। आज हम उसे बचकर जाने नहीं देंगे। आनंद पूरी फोर्स के साथ निकलो। कम ऑन। हेलो B6 पुलिस स्टेशन। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो शिवा यहाँ पर है। कौन शिवा? वहाँ ACP और इंस्पेक्टर किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ, जाइए ना, कुछ कीजिए ना जाकर। इधर आ, बचाइए। सत्या, शुभा, सत्या, कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? सत्या, शुभा, 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 पुलिस को फोन करो प्लीज। शुभा, पुलिस को फोन करो। शुभा, पुलिस को फोन करने से क्या होगा? किससे फोन करेगा तू? शुभा, शुभा, प्लीज पुलिस को फोन करो प्लीज, वो मुझे मार डालेगा। शुभा, पुलिस को फोन करो प्लीज। शुभा, 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 जाऊंगा नहीं शिवा, जाऊंगा नहीं शिवा। किसके पास सपोर्ट मांग रहा हूँ? किसके पास? हाँ बोल, किसके पास सपोर्ट? जाऊंगा नहीं शिवा, नहीं जाऊंगा शिवा, नहीं शिवा। छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। तुझे क्या लगा तुझे छोड़ दूंगा? नहीं शिवा, नहीं शिवा, नहीं शिवा, कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे मत बोल। क्या लगता कोई भी अंदर आएगा तो तू बच जाएगा क्या? अगर हिम्मत है ना तो बाहर आकर मार, हिम्मत है तो आ जा बाहर। मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा शिवा, मैं यही रहूंगा शिवा। जाएगा नहीं तू, हाँ बता। क्या कहा शिवा? हाँ बोल शिवा। छोड़ दे शिवा, कंप्लेन मांगते तो वापस ले लेता शिवा। छोड़ दे शिवा, अब तुझे कंप्लेन वापस याद आई? हाँ शिवा, कंप्लेन वापस लेगा कि नहीं? वापस लेगा कि नहीं? बोल बोल, क्या तुझे छोड़ दूं मैं? बोल, कहाँ जा रहे तू? कहाँ भाग, कहाँ भाग, कहाँ भाग? यो, क्या है? क्या है? दरवाजा खोल दिया, क्या करने जा रही हो? बताओ ना क्या? तुम इंसान ही नहीं हो, अपने ही जुड़वा भाई को इस तरह मार रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? उसे ही मारा है ना, तो मैं तो नहीं मारा। बचाओ मुझे। चिल्लाने से कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई मर्द नहीं है। अगर तुम मर्द होती और अंदर जाने की कोशिश करती तो मैं तुझे मार डालता, समझी? स्टे देयर, स्टे देयर। कहाँ है वो? कहाँ है वो शिवा? अंदर है वो, जल्दी पकड़िए सर, वरना भाग जाएगा वो। सर आपकी आवाज सुनकर वो चुप हो गया है, वो अंदर ही छिपा बैठा है। सुनो, तुम लोगों ने सत्या और शिवा को एक साथ देखा क्या? हाँ सर, दोनों को एक साथ देखा है सर। सर मैंने भी उसे देखा है, वो दोनों ही अंदर है सर, प्लीज उसे बचाइए सर। कमन कमन कमन, उस तरफ जाकर देखो। ओके सर, अंदर देखो। ओए शिवा, सत्या, शिवा, सत्या, हे शिवा, सर, सर यहाँ है सत्या, सत्या थोड़ी हेल्प कीजिए ना प्लीज। मैडम जरा हटिए,
आराम से। कैसी नाक पे? नाक पे मारा सर उसने, मार के वो भाग गया सर, भाग गया। और मैं भी, मैं कभी नहीं सूं पाऊंगा, ऐसी नाक कर दी सर उसने मेरी। देखिए क्या हालत हो गई सर, कैसे मार के भाग गया वो। देखिए सर मेरी नाक तोड़ दी सर, मेरी नाक तोड़ दी। अब मैं कभी सूंगी नहीं पाऊंगा सर, मेरी नाक तो गई सर एकदम। देखिए ना, शिवा पीछे के दरवाजे से भागकर चला गया है सर। तुमने अपनी आंखों से देखा? सर मैं सच कह रहा हूँ, एक आदमी यहाँ से भागकर गया। मैंने पूछा, तुमने अपनी आंखों से उसे भागते हुए देखा? कंफर्म तो नहीं देखा सर, लेकिन हाँ पहले तुम लोग कंफर्म कर लो, उसके बाद बताओ। सर हम कंफर्म ही कह रहे हैं। हाँ जी, आप सब लोगों ने सत्या और शिवा को एक साथ देखा क्या? हाँ सर, देखा था। तो क्या तुमने भी सत्या और शिवा को एक साथ देखा? हाँ सर। अरे रे रे रे, मैंने नहीं देखा ना, सबने देखा लेकिन मैंने नहीं देखा। हाँ तो इसी रूम में ये दोनों एक दूसरे से लिपटकर झगड़ा कर रहे थे, सही कहा ना? नहीं सर, दोनों ने झगड़ा नहीं किया। तो फिर शिवा ही से मार रहा था। अच्छा, और ये मार खा रहा था। ओहो, नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। कुमार। यस सर। यहाँ आओ। इस घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा था, लगा क्या? हाँ सर। उनमें से एक कैमरा मैंने घर के बीचों बीच लगाने के लिए कहा था, लगाए क्या? हाँ सर। कहाँ? वो वहां पर सर। तो उसमें चीप तो है ना? मोबाइल से ऑपरेट हो जाता है सर। गुड। अब उस चीप को निकाल कर लैपटॉप में डालेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हुआ सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो उस चीप को निकाल कर यहाँ रखो, मुझे देखना है, मुझे भी सत्या और शिवा को एक साथ देखना है। अब खोल कर दिखाओ, दिखाओ। चलो डाल। अरे आगे बढ़ाओ यार। हे, रुको रुको रुको, पीछे पीछे लोग। और थोड़ा और थोड़ा। उसकी तो चलो यहां से। रवि, 1995 से लेकर सत्या का सारा रिकॉर्ड लेकर आओ। Thank you.
खोलो मुझे। साइन करते हो क्या? तू मुझे इस तरह से धमकाएगा तो मैं साइन कर दूंगा क्या? क्या देख कर डरना चाहिए ये नहीं बताया? जिंदा रहेगा तब डर है ना। देखो सत्या। सत्या वो डरपोक है। मैं शिवा सत्या के लिए आया। तुम सबको अच्छे से बना कर देता हूँ बोला, उसी सत्या के लिए। सिग्नल रखाओगे? देख ट्रैक बहुत हिल रहा है। बैड टाइम। देखो आज ट्रेन सही टाइम पे आ रही है, उसी के लिए पटरी हिल रही है। क्या बोल रहा है? ट्रेन आ रही है। ट्रेन नहीं आएगी तो क्या बस आएगी? मेहरबानी करके खोल देना। तुम्हें बचना है तो मुझे साइन चाहिए। चलो जाओ भाई, मुझे काम अब बहुत बोर लगने लगा। मरो। खोल दे मुझे, मैं साइन करता हूँ। मैं साइन करता हूँ। खोल दे मुझे, मैं साइन करता हूँ। साइन करता हूँ मैं। खोल दे मुझे। ऑटोग्राफ दे दो, मैं तुम्हारा फैन। मेरा चेक तेरे पास कैसे आया? जब तुम्हें उठा लाया तो ये चेक क्या चीज है? अब जरा मुझे बताओ कि तुम साइन कर रहे हो। कितना अमाउंट डाला है? ब्लैंक चेक। साइन करो। ब्लैंक चेक। वो साउंड नहीं आ रहा है। दे 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 दे। साइन करता हूँ। कर रहे हो कि नहीं? जल्दी दे, ये करो। चांस चली जाएगी। जल्दी जल्दी, मैं साइन करता हूँ। जल्दी दे, ट्रेन आ गई पे। जल्दी कर, जल्दी कर। मैं पेन ढूंढ रहा हूँ। अरे बात कर, तो पहले मुझे खोल दे। पता नहीं कहाँ गया। अरे ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। खोल मुझे, छोड़ 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 दे मुझे, फिर ट्रेन आ गई। ये लो। को जल्दी, हाँ करता हूँ, करता हूँ। पीछे भी। ए हाथ खोल, ट्रेन नजदीक आ गई। दूसरी तरफ भी करो ना। खोल ना। करता हूँ, करता हूँ। हाँ करो। अरे जल्दी खोल, मुझे ट्रेन आ गई। थैंक यू। मैं सारी जाना लिख कर देता हूँ। अबे कमीने, एक मिनट मुझे मौत दिखा दी। कमीने, अबे कमीने मुझे बचा ले, कोई बचाओ। हे भगवान, बच गया मैं, नहीं तो आज मेरी जान ही निकल जाती। कहाँ गया? कहाँ गया? खोल ना मुझे, अगर दूसरी ट्रेन आ गई तो मर जाऊंगा मैं। ए, चार 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 फ्लैट बने लिए, मैं ले लूंगा। घुस रहे हो, जाओ। अरे मैं ले लूंगा, मैंने चार फ्लैट लिए। ओके ठीक है, नमस्ते। चलो चलो। अरे अरे धक्का मत दो यार, क्या कर रहे हो? अरे फोटो क्यों निकाल रहे हो? पैसे वापस ले लिए ना, इसका सबूत होना चाहिए। उल्लू बनने के लिए वापस से सत्या तैयार नहीं है। पैसों को जरा ऊपर अच्छे से पकड़ो, मुझे इसकी चार कॉपी एक्स्ट्रा दे देना प्लीज। नेक्स्ट। ओके। चार 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 फ्लैट। उस दिन गुस्सा तू ही कर रहा था ना? हाँ। तेरी शक्ल देखने में ही हंसी आती है। मजाक कर रहे हो क्या भाई? वो लैंड का ओनर डुप्लीकेट नोट को भी अगरबत्ती दिखाता है। अच्छे नोट वापस कर रहे हो ना? सत्या पैर पर गिर गया था। पैर पर? सारा पैसा उनका ये बोलकर वो पैर पर गिर गया। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। भाई आपने बोला तो मैंने मान लिया, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। मैं बोलूंगा तो माने क्या? सत्या, सत्या ने कहा ऐसा बोलना चाहिए था ना। सत्या कभी झूठ नहीं बोलता है। सत्या कितना बड़ा काम किया भाई तुमने, हमारे पैसे वापस कर दिए भाई। कोई बात नहीं। इतने सारे पैसे यहाँ पर? ये हमारे पैसे हैं, शुभा को मिलने वाले थे। ये लो सत्या। मुझे एक फोटो जरूर निकालना चाहिए। मैडम एक मिनट, फोटो प्लीज। अरे अरे अरे, आपने पहले 82,000 दे दिया है ना, सिर्फ बैलेंस दे दीजिए। अरे मैंने आपको दिया था वो मेरा पर्सनल मनी, ये आपकी माँ ने आपको आखिरी वक्त में दिया था ना, ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए। तो फिर आपका दिया हुआ पैसा? वो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पैसा दिया था वैसे ही आप मुझे दें तो ठीक है। क्या मतलब? बार बार तुमसे मिलने को कह रहा है? एक्चुअली मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अचानक एक जगह ब्लॉक हो गई जी। अभी रेडी है ना? आपको एक महीने के बाद आना चाहिए था ना, सेफ से निकाल के आपको ही देना था ना। सर एसपी साहब लाइन पर हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ यस प्लीज। आराम खो, 150 करोड़ मारकर 5 रुपए की बबल गम खाकर वो बचकर निकल गया वहां से, कहता है ब्लडी फूल। अब क्या करे सर, वो बहुत ही तेज दिमाग का है सर। बिना प्रूफ के हम लोग सत्या को पकड़कर धुलाई भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा डीसीपी ने कहा है सर। पुलिस को प्रूफ चाहिए, कंप्लेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फोन रख, फोन। अरे जा बेक गधे, कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं है और ये पागल मुझ पर चिल्ला रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? पूरे पैसे उड़ा दिए। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी कॉल था। ओके सर। क्या सर, बहुत ही अन्याय है, मेरा तो 120 गया और आपका 150 गया। ये मैटर कसम से हमें पता नहीं है सर। ये बात लीक आउट नहीं होनी चाहिए थी ऐसा सोचा था। बट माय पर्सनल असिस्टेंट, वाह क्या बात है, आई लव यू। आपके इस हालत में थोड़ी सहायता हो जाएगी। निकल यहां से। अरे रे 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 रे, उस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नॉनसेंस, दुनिया की नजर में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ,
लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह खोखला हूँ। हाथ पैर नहीं चल रहे, दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। सुनो ना, मेरे भी शरीर का कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, लेकिन पेशाब जाने के वक्त भी वैसा ही लग रहा है। तो फिर समझ लो क्या होगा आगे। फोन है, पुलिस ऑफिसर का है। हाँ किशोर सर, मैंने उस सत्या को पकड़ लिया है। आपका प्रॉब्लम किशोर सर, आप वहाँ पर कैसे? यही कहना चाहते हो ना कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते? तो छोड़ दो, अब तो हम लोग ही उखाड़ेंगे। भाई क्या है भाई? ओ, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गए क्या? देखता हूँ ये दोनों मिलकर मेरा क्या बिगाड़ते हैं। We are not only friends, now we are business partners. भाई बहुत थैंक्स भाई। मेरे आदमी और आपके आदमी मिलकर उस शिवा को मारे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तुम जाकर आ जाओ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी। आइए शुभा। सब भगवान के पैर छूने के बाद पैसा देते हैं, तुमने अंदर जाने से पहले पैसा क्यों दिया? अंदर आने से पहले अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तभी भगवान खुश होंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्या हुआ? आओ ना। तुम जाओ, मैं। क्यों? वो बात ये है कि बचपन में मेरे पापा ही मुझे यहाँ लेकर आते थे। और अभी मैं लेकर आ रही हूँ, आओ। नहीं तुम, वो तुम्हारे पापा बुलाते थे तो आते थे ना। ए सत्या चल अंदर चल। कान पकड़ कर उठक बैठक करो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। अच्छे से करो ना, भगवान बहुत शक्तिशाली है। क्या कर रहे हो तुम, दर्शन करो। ऐसे ही बचपन में मेरे पापा भी प्यार से गाली दिया करते पर थे। अब तुम काफी बदल गए हो। वैसे क्या मन्नत मांगी? क्या मांगूंगा, माँ बाप दोनों ही नहीं है और जुड़वा भाई भी नहीं है। ठीक है, मतलब होते हुए भी नहीं है। तुम हो ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, यही मांगा। मैंने भी वही मांगा लेकिन लेकिन दूसरे तरीके से। क्या? शिवम को जल्दी से पुलिस पकड़ ले और सुधरने तक वो वहीं जेल में ही रहे, तभी तो तुम भी सुकून से रह पाओगे ना और हम भी खुशी से रह सकते हैं। उसके भी एक हकीकत तुम्हें बताता हूँ। उठा कर ले जाओ इसे। कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? तुम लोग छोड़ो उसे, तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं है सत्या, वो ये नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो सर। क्यों मार रहा है? मैंने क्या किया सर? मुझे क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं पता नहीं तुम्हें? सत्या सुनो, इसे लेकर जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। चल चल सत्या, 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 चल। Bringing up the heat to your low, get set ready, energy flowing, yo go. Da ra pa pa da ra pa pa da 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 ra pa pa da ra pa pa da 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 ra pa pa da ra pa pa da 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 ra pa pa da ra pa pa da 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 da.
देख सत्या, छोड़ दे मुझे। सत्या मुझे मत मार। है ना? शिवा। छोड़ो मेरा। वो मेरा हाथ छोड़ो। वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैंने क्या उखाड़ा, तो आपने क्या उखाड़ा सर? ए किशोर, कॉन्फ्रेंस पे फोन करके बदनामी कर रहा है क्या? मान लेता हूँ भाई, मान लेता हूँ। हमारे लोग कुछ नहीं कर पाए उससे हम मान लेते हैं, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? मेरे सामने ही एक आदमी कंप्लेन लिखवा रहा है सत्या के नाम से। सत्या नहीं सर, शिवा। अरे दोनों एक ही है, लिखो सर। अरे लिखो भाई। कंप्लेंट को लेकर क्या करने जा रहे हो, वही पूछ रहा हूँ मैं। FIR दर्ज करने के बाद मारने में और नहीं मारने में बहुत फर्क है सर। ये सब छोड़िए, आप उसे अंदर डालकर चमड़ी उतारे तो। चमड़ी उतारेगा? उसने अकेले नहीं कितने लोगों की चमड़ी उतार कर भेजी है पता है? अरे वो गुंडों के साथ ऐसा कर सकता है सर, लेकिन पुलिस वालों पर हाथ नहीं लगा सकता, वो भी जब यूनिफॉर्म में हो, ड्यूटी पर, मेरे ही पुलिस स्टेशन में। ऐसा हो सकता है सर? आपने बुलाया, कंप्लेन लेकर FIR दर्ज करो। ओके सर। सर उसने मेरी मौत ट्रेन के सामने दिखा दी, उसे छोड़ना मत सर। अब मैं उसे दिखाऊंगा सर। ओ सर, आइए आइए आइए, आप बोलते मैं ही आ जाता। प्लीज प्लीज, वेलकम सर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ए सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। नहीं, कॉफी शुगर फ्री लेके आओ। ओके सर। आइए सर बैठिए, बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। अच्छा बोलिए क्या बात है? रियल एस्टेट बिजनेस करने के हिसाब से जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें प्लॉट देने का। वैसे मैंने सुना है कि तुमने कई लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया है। हाँ अच्छा ये बताओ कि कितनी लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद की? गुड सिलेक्शन, ये तो बहुत खूबसूरत है। सुना है इसे कोई छूता है तो तुझे दर्द होता है, सही सुना है क्या? ट्रू लव है? हाँ मैं अगर इसे छूं तो सर। यही बिना छुए ही दर्द हो रहा है। आपको क्या चाहिए सर? पैसा। वो जिन जिन को देना था उनमें बांट दिया, उसके लिए FIR डाली है ना? यही, वो सब एक फॉर्मेलिटीज थी यार, वो पुलिस कंप्लेन, FIR, वो सब प्रूफ के लिए यार। मैं किस केस को डील कर रहा हूँ ये मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने जो दो बड़ी जगह पर लूटा
और वो भी लगभग वहां से 250 करोड़। वो पैसे कहां है सर? वो मुझे कैसे पता होगा? हो तो अभी तुम सत्या बनकर आए हो। ठीक है, मैं तुम्हें शिवा में बदलता हूं। अब अगर तुम्हें शिवा बनाना है तो मुझे इस लड़की को छूना होगा। अगर तुम्हें गुस्सा दिलाना है तो मुझे इसके साथ थोड़ा खेलना होगा। उसके बाद तुम जरूर शिवा के रूप में आओगे। ए, कहां जा रही हो तुम? ए, इधर आओ, इधर आओ। ए, बस एक किस प्लीज, एक किस। अरे एक किस तो दे दो प्लीज। ए, तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? और दर्द होगा देख जब ऐसे किस लूंगा तो तुझे। नाम ही शिवा है, मैं ही शिवा हूँ। पैसे मेरे पास ही है, बस क्या? अरे बस हो गया मेरा काम। hey, उसे छोड़ दे, छोड़ दे उसे। hey, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तू सिर्फ ये बता कि वो पैसा कहाँ है। सर क्या हो रहा है यहाँ पर? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सर। ये देखिए, देखिए सर, यही है इसका पावर। ब्लड फूल, किसकी कितनी पावर है ये तुझे नहीं पता? सॉरी मैडम, यू प्लीज कैरी ऑन। सर ये उसकी प्रेमिका है सर, इसी की वजह से माना कि वो शिवा। शिवम हो या परिमल हो वो बाद में। मैडम प्लीज यू कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी, भाई को ये मत बताइएगा कि यहां क्या हुआ था, बस एक छोटी सी इंक्वायरी थी, ये बताइएगा प्लीज। दिमाग नहीं तुम्हारे पास? क्या काम कर दिया तुमने? सर मैं जानता था आप ऐसा बोलेंगे, इसीलिए मैंने एफआईआर। छोड़ो तुम अपनी एफआईआर, वो कौन है तुम्हें पता है? आओ मेरे साथ। वो किसके साथ बात कर रही है पता है? उसका भाई है, होम मिनिस्टर का पीए, बहुत ईमानदार और डिसेंट आदमी है। कुछ नहीं भैया, बस एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए आई थी। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता। कुछ नहीं हुआ है, कह रही हूं। हिम्मत करके बताओ। और मेरे पहचान वाले भी हैं, इसीलिए उनकी बहन को कहां लेकर गए वो मुझसे पूछने आए थे। होम मिनिस्टर को पता चलता तो बात सीएम तक जाती, उसके बाद तुम्हें और मुझे। आगे से कोई भी इंक्वायरी करने से पहले मुझसे बात कर लेना। ठीक है सर, सॉरी सर, मैं ये नहीं जानता था कि वो कौन है। तुमने कुछ टॉर्चर तो नहीं किया ना? अब नहीं सर, सिर्फ उससे पूछ रहा था। अरे सर ये झूठ बोल रहा है सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर, बिल्कुल झूठ। सर आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये लोग मेरी लवर का रेप कर देते सर। मैं क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता सर, मैंने क्या क्या देखा है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुमने ट्रेनिंग कहां से ली? बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो। सर अभी इसने कबूल किया था कि ये शिवा है, मैं सच कह रहा हूँ सर। अगर मैं कबूल ना करूँ सर तो फिर मैं क्या करूँ बताइए? अगर अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता सर तो फिर मुझे मानना पड़ता है, नहीं मानना पड़ता? आप ही बताइए सर, अगर मेरी हालत में आप होते तो क्या करते बताइए, बोलिए सर। ये गलत है सर, क्या इनके बीवी बच्चे कोई भी नहीं है सर? हे ये सब तुझे कैसे पता? प्रमिला दीदी ने बताया था। ए, तुम्हारी वजह से बार बार बेइज्जती हो रही। सत्या तुम जाओ। सर 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 यही है वो शिवा, अगर इसे पकड़ेंगे तो वो पैसा हमें मिलेगा। मैंने कहा ना रिलीज हिम। थैंक यू सर। किशोर, सत्या ने जो कहा उसे पहले दिन से हमारी टीम उसे वॉच कर रही है, अब तक कोई भी चेंज नहीं दिखा है। सर अरे वो बहुत बड़ा एक्टर है सर, कुछ नहीं पता चलेगा। वो एक्ट कर रहा है ठीक है, उसे जो 18 साल से पाल रहा है वो भी एक्ट कर रहा है, उससे पहले की सारी जानकारी हमने पता कर रखी है। ये देखिए 1995 में एक बड़ा आदमी एक बड़ा भाई दोनों को यहाँ भर्ती करवा दिया। ये देखिए उनके स्कूल के टाइम की फोटोज, ये 6th क्लास की फोटो है, ये देखो ये दोनों ये खड़े हैं। फिर 7th स्टैंडर्ड में एक बड़े पैसे वाले का कत्ल करके शिवम यहाँ से भाग गया, और भाग गया इतना ही नहीं, रात को यहाँ आकर सत्या को बोला कि चल मेरे साथ चल। उसने सत्या के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती की, लेकिन सत्या कभी गया नहीं, कभी नहीं गया। फिर सत्या ने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वो मुझे परेशान करेगा, तो वो यहाँ से कहीं और चला गया, और आश्रम के बगल में जो मंदिर है वहां पर वो उनके टीचर को देखने आता जाता रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद भी शिवम की परेशानी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। आप समझ में आया, शिवा अलग है सत्या अलग है। सर ये तो बहुत उलझन वाली बात है। कोई उलझन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले सत्या पे जो एफआईआर हुई है उसे क्लोज करो। एमडी ने जो कंप्लेंट की है वो एक फ्रॉड है, सारा शहर जानता है। ठीक है सर। फौरन शिवा को ढूंढने का इंतजाम करो। ओके सर। शिवा के ऊपर कितनी कंप्लेंट है? दो है सर। कौन कौन सी?
एक सत्या ने किया था वो, और दूसरा जो आश्रम में कत्ल हुआ था उसका। अब तुम थोड़े होशियार हो गए हो, गुड। मैं भाभी, आप उसे इतना पसंद करते हैं इसलिए तो बिना कुछ जाने उसने आपकी बात मान ली। उसके भाई को भी आप में दिलचस्पी नहीं थी, मैं खुद उनसे बात करने वाली थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं उसे पसंद नहीं है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये पूछना गलत है, मेहरबानी करके गलत मत सोचिए। उनके आने का टाइम हो गया है। आता हूँ जी। एक मिनट, क्या कहा आपने? आता हूँ कहा। मत आइएगा प्लीज। ए उधर देख, तो चुपचाप काम कर। बोलिए वो वाली। हाँ एक बात बता, तुझे लड़कियां तो बहुत देखती हैं यार। हाँ मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। तू भी ना मजाक को सच समझ लेता है। चल चल आजा। नहीं मैं बाइक से आ जाऊंगा। ए ज्यादा बोलेगा तो दांत तोड़ दूंगी। चल आजा। ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मेरा बैग। गलत मत सोचिएगा अंकल, मुझे पता है आप अच्छे इंसान है, लेकिन आंटी को पता नहीं है ना। छोटा है मगर बातें कितनी अच्छी करता है। इसका भरोसा मत करना, ये बहुत बुरा आदमी है। भरोसा तो तेरी बात का नहीं है, मोटा कहीं का। अरे तू क्यों उदास हो रहा है यार? है? ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है, है? इसके अलावा भी और मिल जाएगी। अबे तूने भी ऐसा कर दिया। शुभा मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तुमसे बात करना ये सोचकर रिकॉर्ड किया है। मैंने सब क्यों किया बस एक बार। आज मैं जिस हालत में हूँ इसकी वजह मेरे पिता है। वही मेरे गॉडफादर थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे सुपरमैन, मेरे फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ। हाय सत्या। हाँ, पापा। कल फीस भरने का लास्ट डेट है, अगर नहीं भरोगे तो कल से स्कूल मत आना। टीचर डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस, माय फादर इज एन एफिशिएंट एंड बिजी बिजनेसमैन, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन। टुडे मॉर्निंग आल्सो आई टोल्ड अबाउट द फीस, उनसे पूछो उन्होंने क्यों नहीं भरा। उस दिन टीचर के पूछने के बाद ही मुझे पता चला अपने बेटे से उन्होंने बहुत कुछ छुपाया था। दूसरे दिन से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। उनके खुद के लिए क्यों वो किराया दे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। डेली बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं ऐसा मैंने सोचा था, मगर नहीं, वो लाखों के हिसाब से कमाए हुए 100-200 के लिए इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं ऐसा मैंने सोचा। एसी रूम में रहने वाले यहां वहां क्यों काम करते हैं ऐसा मैंने सोचा। एक जमाने में पुलिस और वकील मेरे पापा को देखकर सैल्यूट करते थे, लेकिन उन लोगों के पास ही क्यों काम किया ये मुझे नहीं पता। मुझे प्यार से खिलाकर पालने वाले अपनी भूख क्यों मार रही है मुझे समझ में नहीं आया। हमारे घर को खाली कराने वालों को मारने के बजाय क्यों उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। यह सब कुछ जानने से पहले मैंने एक दिन फैसला किया। पापा आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आपके बिजनेस का क्या हुआ? मेरे दोस्तों ने मुझे बिजनेस में फंसा दिया बेटा। बिजनेस अगर ईमानदारी से करो तो ठीक है, मगर मैं तो फंस गया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए अपने ही घर का भाड़ा दे रहा हूँ। मुझे पता चल गया तो क्या हुआ पापा? जब तुम 5 साल के थे तभी तुम्हारी माँ मर गई थी, तब तुम बहुत रोए थे बेटा। अब मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बेटा, बहुत खुश।
तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनने के लिए चाहिए पैसा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, और यही मेरा सपना। कैसा सपना? बताता हूँ, मैं रोज एक ही सपना देखता हूँ। कैसा सपना? दुनिया में एक पैसा वाला देश, और वहाँ पर एक बड़ा सा बंगला, एक पैलेस के जैसा। really? वहाँ पर तो कैसे आकर उतर रहा है पता है? कैसे? एक कॉस्टली कार से उतर रहा है तू। नौकर लोग आकर दरवाजा खोलते हैं, एक खूबसूरत सा कूलिंग ग्लास, जबरदस्त सूट, जबरदस्त स्टाइल में तू उतर रहा है। अंदर में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, वहाँ तू खाना खा रहा है, चारों तरफ नौकर ही नौकर तेरा काम कर रहे हैं। बहुत लोग क्या? हाँ। फिर आप आकर क्या करेंगे? मैं आकर वहाँ पर क्या करूँगा बेटा, मैं नहीं आऊँगा। नहीं पापा, आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सपनों में भी आप मेरे साथ रहने चाहिए। देखिए पापा, अब से मुझे जो पसंद है आप वही करेंगे। क्या करना है बोलो। कसम से मैं करूँगा, तो बोल तो। पापा, मुझे अब से ये बड़ा घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, कॉन्वेंट नहीं चाहिए, ट्यूशन नहीं चाहिए। एक मैकेनिक कैसे रहता है? वो जैसे रहता है मैं भी वैसे ही रहूँगा। उसके लिए छोटा सा घर भी बहुत है पापा, क्योंकि मुझे सिर्फ आप चाहिए पापा। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बहुत मेहनत करूँगा और बड़ा आदमी बनूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे ना, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। वो हो गया तो बस हो गया, जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आओ खाना खाते हैं। पापा, आज से मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्या मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ? ठीक है, आधी आप खाओ आधी मैं। पापा, देवा अंकल को क्यों अरेस्ट किया गया? इतने दिनों तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा था, आज लग गया। तो फिर देवराज अंकल बुरे इंसान है? अब अच्छे लोग और बुरे लोग नहीं है बेटा, जो फंस गया बस वही बुरा है। इस दुनिया में बहुत से लोग गलत काम करते हैं, लेकिन जब तक फंसते नहीं है वो अच्छे कहलाते हैं। मैं भी कल तक अच्छा ही था ना। आप तो हमेशा से अच्छे हैं। ए, मुझे दो, मुझे दो। बाबू, ए बाबू, अरे क्या हो गया बाबू? अरे बाबू, क्या हुआ? अरे बाबू, बाबू, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। हे, इसको फटाफट मारो उसे। हे बाबू, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। आप फट जाओ, मैंने कहा खींच लो। अरे ये क्या किया तूने, मार क्यों दिया इसे? पागल हो गया है क्या? ऐसे नहीं मारना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। पापा, 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 ये पापा। शिवा। पापा। नहीं शिवा, अरे वो छोटे बच्चे हैं, अगर तुम उन्हें मारोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शिवा देखो, ये ठीक नहीं है। ए, शिवा, ये गलत है। अरे शिवा, शिवा, अरे शिवा, अरे ये वो छोटे बच्चे। चाकू नीचे रखो, चाकू नीचे रखो। ये अरे मेरी बात सुनो। ए, ए, नहीं नहीं, उन्हें तुम जान से नहीं मारना। अरे भागो भागो भागो, चलो भागो। मेरी बात सुनो, उनकी जान नहीं लेना बेटे। ए, सब चले गए क्या? हाँ चले गए पापा। शिवा कहाँ गया पापा? तू यहाँ से चल। शिवा कहाँ गया पापा? यूं ही एक्टिंग किया, तुझे बचाने के लिए मुझे कुछ और नहीं सोचा। उस दिन के शिवा ने ही इस सत्या को बचाया। उस दिन मेरे पिता के मुंह से निकला शिवा मेरे मन के अंदर गहरा बस गया। क्रिकेट के झगड़े में मेरी वजह से उनके सर पर जो मार लगी थी, उस वजह से उनको बार बार चक्कर आता था। पैसा नहीं था इसलिए वो इलाज नहीं करवा पाए। मेरे बारे में ही सोच सोच कर वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ए, ये कैसा बिस्किट बनाया? सब में नमक ही नमक है, क्या बनाया तुमने? मालिक मैं फिर से बना देता हूं। नहीं नहीं, तुम काम के नहीं है। निकलो, अभी निकलो। सब के सब काम हाथ से गए, रोटी के भी लाले पड़ने लगे। उन्हें कहीं भी किसी ने कोई काम नहीं दिया। मुझे उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए, यही सोचकर मैंने कुछ दिन वेल्डिंग शॉप में काम किया, चाय की दुकान पर बर्तन उठाए। ये सब कुछ देखकर पापा अंदर से टूट गए।
आखिर मैं तुझ पर बोझ बन ही गया ना, मेरे सारे सपने बिखर गए बेटा, सारे सपने बिखर गए। अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, कह दिया ना पापा। फिर आप क्यों रो रहे हैं? रोइए मत ना पापा, प्लीज। अगर पापा को रोते नहीं देखना है तो जैसा मैं बोलता हूँ तुम सुनते क्यों नहीं? सुनता हूँ पापा। कसम से मानूंगा पापा। अब से तुम मुझे पापा नहीं कहोगे बेटा। क्यों पापा? तुम्हें अच्छे से रहना है, उसके लिए बेटा। अब यह अनाथ बच्चा है, थोड़े दिनों तक खाना खिलाकर पाला, अब मुझसे नहीं हो रहा। ये पढ़ने वाला बच्चा है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसीलिए। बच्चे का नाम क्या है? सत्या। सत्या, ठीक है, जरा यहां पर साइन कर दीजिए। मेरे बुरे वक्त में मैं जहां गया वहां भी मेरे पीछा नहीं छोड़ा। उस अनाथ आश्रम का एक बड़ा आदमी पुलिस के साथ आकर उसे खाली करवा रहा था। आश्रम चलाने वाले के छोटे भाई ने सारे एग्रीमेंट पेपर्स सब रिश्वत देकर बनवा लिए थे, अपना सेटअप बना लिया था। एक बात सुन लो, एक हफ्ते के अंदर प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। ये मेरी प्रॉपर्टी है और तुझे इसे खाली करना ही होगा। वो अपना मन बदल ले ऐसा उन्होंने बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसकी बात सुनकर उन्होंने सोचा कि बच्चों को बचाना है, इसलिए उस रात को उसके घर गए। अपने ख्यालों में डूबे उन्हें खुद नहीं पता ना वो क्या कर रहे हैं। कुछ समझने से पहले ही उन्होंने कत्ल कर दिया। सर, मैंने गलत कर दिया ना बेटा? नहीं सर, आप अच्छे इंसान हैं सर, सही किया आपने। नहीं बेटा, मैं बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी। अगर आप फंसे तो ही बुरे आदमी हुए, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। हाँ? सर नहीं बेटा, मैं पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता हूँ। आपने ये कत्ल क्यों किया सर? आश्रम कौन चलाएगा? हाँ, अगर आप चले जाएंगे तो हम सच में अनाथ हो जाएंगे सर, प्लीज सर। अभी मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा ही कीजिए सर, प्लीज। मैंने देखा सर, मेरा भाई शिवा चाकू लेके मेरे रूम में आया, इतना बड़ा चाकू सर, लेकिन वो खून कर देगा, मुझे नहीं पता था सर। शिवा बचपन से ही वैसा ही है सर, बहुत ही गुस्से वाला। सर, जो लड़का भागा है वो इसका भाई है सर, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। सर, यहाँ जमा होने के वक्त ये दोनों एक साथ जमा हुए थे क्या? ओके। सर, अगर आप शिवा को पकड़ ले तो उसे मारिएगा मत सर, बेचारा मासूम है वो, हमें बचाने के लिए उसने ऐसा कर दिया सर, प्लीज सर। तुम रो मत बेटा, तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे नहीं हो, फिक्र मत करो, मैंने उसे पकड़ा तो मारूंगा नहीं। थैंक यू सर। ओके। पापा के क्रिएट किए हुए शिवा की वजह से वो आश्रम हमें वापस मिल सका, शिवा नहीं तो आश्रम भी नहीं। मुझे आश्रम में भर्ती करने के बाद पापा ने कहा था कि वो थोड़े दिन में ही वापस मुझे ले जाएंगे। दरवाजे पर खड़े लोगों को देखकर मैं सोचता पापा आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। एक दिन आश्रमालय में बाहर लेकर गए, रास्ते में एक मंदिर था वहां भी हमें ले गए। अचानक मुझे अपने पापा की आवाज सुनाई दी, मैंने पलट कर देखा। अफसर आ रहा है, उसके साथ बहुत सारे नौकर हैं, कॉस्टली कार, बिग डाइनिंग टेबल और वहां पर बहुत सारे नौकर। पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ सत्या। ना,
पापा। यू आर नॉट माई सन, माई सन इन लंडन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैं हूँ सत्या। आई एम गोइंग टू लंडन टू सी माई सन। पापा मैं ही आपका सत्या। नो नो पापा, नो नहीं पापा, नो गेट आउट, गो बैक। मैं आपका सत्या हूँ। नो 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 सन। अरे रे, अरे मेरा पैसा, अरे अरे मेरा पैसा, मुझे अपने बच्चे को भेजना है, मेरा पैसा उड़ रहा है। अरे 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 मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे पापा जब चले गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी, लेकिन उनके सारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम ऐसे पैसों के पीछे नहीं भाग सकते। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। पैसा ही दुनिया होती और पैसा ही जिंदगी। क्यों तुमने, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें पैसा दिया था वो आज तक इन्वेस्ट नहीं किया। बड़ा बनने का ही सोचा था ना, यही तुम्हारी माँ का सपना था। वैसे मेरे पिता सोचते थे कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी बिताऊं। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, बिगेस्ट बंगलो, कॉस्टलीस्ट कार, ऐसा ही जीना ये सोचकर लूटा हुआ पैसा जमा करके रखा। इन पैसों के बिना ही तो मेरे पापा पागल हो गए थे। भीख मांगी उन्होंने, ये पैसे नहीं थे इसलिए तो मेरे पापा ने इतने कष्ट उठाए। पैसे नहीं थे तभी तो उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भर्ती करवाया। अब मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। और कैसे रहेगा? अच्छे से रहोगे तो चार लोग साथ देंगे, ऐसे दो भेस बदल कर छुप छुप कर अंधेरे में जियोगे तो कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं, सबके पापा चाहते हैं कि उनका बेटा जिंदगी में आगे बढ़े और एक अच्छी जिंदगी जिए। पर क्या होगा अगर सब लोग इसी तरह से लूटपाट करना शुरू कर दें? ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें लूट कर कमाने को कहा था क्या? नहीं ना, क्या उन्होंने चोरी करके तुम्हें पाला? जब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तब भी नहीं की, भीख मांगी थी। अभी अभी तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत है, तो फिर क्यों यहां कर खड़े हो? क्योंकि तुम जानते हो कि इन पैसों से तुम दुनिया की सारी चीजें नहीं खरीद सकते, और वो चीजें क्या है ये अपने आप से पूछो। यू विल गेट द आंसर। तुम शिवम बनकर ठीक करते हो या सत्या बनकर, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सत्या से सच में प्यार करती हूं। तुम चाहे जितने पैसे चोरी कर सकते हो, चाहो तो करोड़ों की लूटपाट कर सकते हो, लेकिन किसी के प्यार को चोरी नहीं कर सकते। मुझे बताइए, मैं वीडियो कॉल पर आपसे क्यों बात करूं? कौन है आप लोग? हम कौन है तुम्हें जानना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो तुम्हें दिखा रहे हैं वो देख लो,
कैमरे को जरा पैन करके दिखाओ, दिखाओ उन लोगों को। अरे सर ये लोग कौन है सर? वो लोग कौन है जानते नहीं हो क्या? नहीं सर, हमारा पैसा ले जाने के लिए तेरा साथ देने वाले लोग हैं। देख ले उनका क्या हाल हो सकता है। वो लोग भी पहले नहीं माने थे, उनके पूरे परिवार को आग में झोंक दूंगा, और ये बोलते सब लोगों ने सच मान लिया। सर मैं कोई भी पैसा लेकर नहीं गया सर, उस चोर से जाकर पूछे। तू सत्या हो या शिवा हो, प्रूफ करने का हमारे पास टाइम नहीं है सर। हमें फौरन हमारा पैसा चाहिए। कौन सा पैसा सर? नहीं तो वहाँ एक भी जान नहीं बचेगी। उधर देख, तेरी जिसे से मदद की थी ना, सिर्फ वो लोग ही नहीं, उनके पूरे परिवार वालों को यहाँ लोहा पिघलाने वाली भट्टी में डाल दिया तो सब ऐसे लोहे के टुकड़े बन जाएंगे। सर वो लोग कौन है मुझे नहीं पता है। कौन सर? है पता नहीं है क्या? फाइव स्टार होटल और पब में ली हुई सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं क्या तुझे? सर वो बेचारे बच्चे लेडीज सब क्या हुआ? चेक कर इसे। सर कसम से मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुझे नहीं पता तो शिवम को पता है ना, उसे आने को कहे। सर वो सब मासूम लोग हैं सर, उन्हें छोड़ दीजिए सर, लेडीज है सर, बच्चे पार्टनर, उन्हें छोड़ दीजिए सर। उन लोगों को कुछ होगा तो ही सर, उन लोगों का कोई कसूर नहीं सर। करेक्ट, उन्हें छोड़ दीजिए सर। उनमें से दो बच्चों को उठाकर आग में डाल दे। सर प्लीज सर, प्लीज सर उन्हें छोड़ दीजिए सर। सर शिवम लाइन पे है सर। कौन है शिवा? शिवा सर आपने छोड़ दीजिए प्लीज। फोन दो सर, वो स्काइप से कनेक्ट है सर, बोल रहा है कि उससे बात करेगा। छोड़ दीजिए सर प्लीज। ठीक है लाइन पे। ए थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बताता हूँ बाद में क्या करना है। सर मैं शिवा नहीं हूँ, मेहरबानी करके उन्हें छोड़ दीजिए सर, मासूम लोग हैं वो। पार्टनर ये दोनों भाई सगे ही हैं। हे शिवा उधर देख, ए कैमरा घुमा कर दिखा उसे। हाँ, कैमरा घुमा। वहाँ जो भी हो रहा है सर मुझे पता है। हे क्या ये जो कह रहा है सच कह रहा है क्या? तुम उन्हें जलाना चाहते हो ना, तो जला दो, तकलीफ मुझे नहीं होगी तुम्हें होगी, मैं भी जलाने जा रहा हूँ। ए क्या बकरा है बे। देखना है हाँ? देखा था। Keep watching. अब देखो। ये सारे बैग्स मेरे हैं। ये सारे के सारे बैग्स मेरे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं देखा है। पार्टनर, वो गोनी सब मेरी है, मेरी गोनी है। आप ही लोगों का है। सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर प्लीज सर। अरे एक तू चुप कर। ए वॉल्यूम कम कर इसका। सर अभी मैं इन पैसों को जलाने जा रहा हूँ। ऐसे मत खोला। तो दूसरा खेल क्या खेलें? ए क्रिकेट खेलें क्या? मैं रेडी हूँ। इस खेल में तुम पहले जला रहे हो या तुमसे पहले मैं जला रहा हूँ, यही सवाल है। ये रेडी? अभी देखो जलाता हूँ। नहीं जलाता हूँ। नहीं बे, नहीं 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 बे, स्टॉप इट, मैं बोलता हूँ स्टॉप इट, सुनो। मैं बोल रहा हूँ नहीं। ए नहीं मत, नहीं 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 नहीं, चला दिया तो फिर मैं ही फर्स्ट हूँ। अब जो होगा देखो। देखो ये चिंगारी ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए पेट्रोल टैंक के अंदर गया तो फिर क्या होगा? अरे मैं बोल रहा हूँ सुनो यार, स्टॉप इट, सुनो, रुको रुको रुक जा रुक जा, स्टॉप इट मैन, रुक जा स्टॉप इट, रुको हम लोगों ने छोड़ दिया तेरे, प्लीज आगे बढ़ तेरे, प्लीज 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 ना, कल की बात तुम्हारे साथ ही लोग ही अंदर होने चाहिए, आए हुए सारे लोग बाहर जाना चाहिए। ओके ओके। हे नवीन, हे नवीन, हाँ जल्दी छोड़ इसे, छोड़ दीजिए सर, छोड़ अरे जल्दी छोड़ रहे हैं, जल्दी छोड़ रहा, अरे रुक जाओ, जल्दी से छोड़ो, रुको रुको, उनको छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अरे रुको ना, छोड़ रहे हैं, छोड़ो अबे, चल चल चल, छोड़ दे, चल चल, हाँ देखता हूँ, हे कैमरा बंद करके उधर दिखा, दिखा उधर, चलो 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 चलो, अभी तू देख, इसको रोको, इसको रोको, इसको बोलो कुछ, अरे नहीं, डोंट डू दिस, रोक दे, सब जगह प्लीज प्लीज रोको, उसे रोको, उसे रोक दो, उसे रोक दो, अरे ऐसा मत कर, डोंट डू दिस, मत कर, तू आगे पैदल ले रहे, लास्ट राउंड चल रहा है, डोंट डू दिस, आई एम टेलिंग यू, अरे क्या कर रहा है, डोंट डू दिस, इसमें सिर्फ पानी था, प्योर वाटर, टेंशन दिया इसके लिए, सॉरी। कैसा लगा ये खेल?
क्रिकेट से भी इंटरेस्टिंग था ना, हाँ मजा आया। अरे क्या गेम खेलते हो, घूम घूम कर हाँ? अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ाई करो, अगर हो सके तो आकर मुझे मार दो और ये सब ले जाओ। ओके बाय। सर वो सब मासूम लोग हैं सर, उन्हें छोड़ दीजिए सर, लेडीज है सर, बच्चे सर, वो लोग मासूम है सर, उन्हें छोड़ दीजिए सर, वो सब बच्चे हैं सर, छोड़ दीजिए सर, कौन है मुझे नहीं पता सर, सर पैसा मेरे पास नहीं है सर, मैं बोलता हूँ सर, वो सुनिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर उन्हें। पैसा नहीं मिला तो परवाह नहीं है, कमा लेंगे, लेकिन उसने जिस तरह से हमें टॉर्चर किया है हम उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। हाँ पार्टनर, आज के बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहने चाहिए। उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। सत्य आया आज, सत्य खड़ा है। भाभी सत्या आया है। शिवम का क्या करने जा रहे हो, पुलिस के पास सरेंडर कर रहे हो क्या? अटकूंगा नहीं और बुरा आदमी बनकर जीऊंगा भी नहीं। फिर पता नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब से शिवा कोई गलती नहीं करेगा, कसम से। तेरी कसम खाता हूं। कहाँ ले जा रहे हो? सरप्राइज। जल्दी जल्दी घूमो। Shoot!
प्लीज। जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, मैं अभी आता हूँ। नो नो नो। हेलो सर, मैं सत्या बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? सर सर शिवा मुझे मार डालेगा सर, मुझे हेल्प कीजिए सर। कहाँ है वो, कौन सी जगह? सर उठी जाने वाला रास्ते पे, जल्दी आइए सर। इमरजेंसी, सब लोग चलो। तो नहीं बचेगा। नो, डोंट शूट, मैं सरेंडर करता हूं। hey! हाथ में गन रखकर कहता है सरेंडर कर रहा हूं। डोंट शूट हिम, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? Oh my God.
अब ये सब मेरा है। चारों तरफ मनी ही मनी। Stay where you are. क्यों भाई, तुम तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो। सर वो क्या है कि उसने कहा था मैं तुम्हें फॉलो करूंगा तो हकीकत का पता चल जाएगा। सही कहा था, इसीलिए एक हफ्ते से डे नाइट वॉच कर रहा हूं। ये किसने कहा सर? मेरे पास पैसे नहीं सर। जाने दो सर, छोड़ो सर। हंस गए ना? एक हफ्ते से मैं तुझे डे एंड नाइट फॉलो कर रहा था। यू आर अंडर अरेस्ट। हे, पूरा माल यहीं पर है क्या? कम ऑन मूव। अबे पुलिस स्टेशन ले चलोगे मुझे क्या? ठीक है ले चलो। वहां जाएंगे तो पूछेंगे पैसा कहाँ है, मैं बता दूंगा यहाँ है सारा पैसा यहीं पर। कैसा रहेगा? तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? अगर तू जिंदा रहेगा तब ना, तुझे यहीं मार दूं तो? मार दिया तो डीसीपी क्या कहेंगे? सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, उसने मुझे मजबूर किया सर, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मुझे उसे शूट करना पड़ा। परवाह नहीं, मेरे अंदर का सारा एक्टिंग तुम्हारे अंदर है। ओके, इतनी मेहनत करके मैं पैसे जमा करता हूँ, एक बात बताओ, अगर इन पैसों को ले जाकर तुमने दिया तो तुम्हारे हिस्से में 2 करोड़ आएंगे क्या? बोलो। वो आएंगे? हमारे बीच की बातें हैं। मैं तुम्हें 100 करोड़ देता हूँ। बोलो। सोच रहा हूँ तुझ पर यकीन कैसे करूँ। सोचने के लिए बचा क्या है, सिर्फ मेरे पैसे लेकर तुम्हारा 100 करोड़ रखकर मैं चला जाता हूँ? ये भूत बंगला है, यहाँ आदमी तो क्या, यहाँ परिंदा भी नहीं आ सकता। तेरे पैसों की भूत ही हिफाजत करेंगे। मुझे क्या करना है ये बताओ। आखिर में मेरे भाई को मार डाला ना, बेचारा मेरा भाई शिवा। हे यही, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो कहा था उसे मारने के लिए। देखा सर, देखे इनके कर्तव्य। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ सर, ए टू जेड प्लान करने वाला यही है सर, इसी के कहने से मैंने इसे शूट किया था सर। तुम क्या पागल हो गए हो क्या सर? जिंदा है उसे देखकर शूट कर दिया? अरे इसे नहीं सर, शिवा को। वो तो मैंने सामने से ही देखा था ना सर। ये वही है सर, ये सब इसी का ड्रामा है सर। सर उन दोनों सेठ को इसकी जगह पर बुलाने का ड्रामा, इसे शूट करने के लिए पहाड़ी के ऊपर तक ले जाने का ड्रामा, इसे मैंने शूट किया वो भी ड्रामा, पहाड़ी से नीचे गिरा और वहां से बचा वो भी ड्रामा, बस इतना ही नहीं सर, किसी और की लाश को इसके कपड़े पहनाकर ऊपर उठाया वो भी ड्रामा, उसके बाद इसकी बॉडी को देखकर सत्या बनकर दूसरा आया और उसे शिवा बताया, उसकी निशानी बताया, वो सब का सब ड्रामा सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी तरफ बनाने के लिए डॉक्टर को रिश्वत दिया, फिर उस बॉडी को जलाया, इन सब का कारण जो ये सामने खड़ा है ना सर, यही है। सब कुछ इसी ने किया सर, इसी ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, एक्शन, डायरेक्शन, सब कुछ इसी ने किया सर। दैट्स द पावर ऑफ मनी सर। शिवा भी ऐसे ही कहता था बार बार सर। सही कह रहे हैं सर, एक मामूली से काम के लिए क्रिमिनल जैसा गलत काम कर रहे हो। पुलिस है सर आप? पुलिस है क्या? हे ये अरे मान गया मैं तुझे, मान गया कि तू बहुत बड़ा एक्टर है, अब कुछ मत बोल। अब अगर कुछ भी बोलेगा तो बोले बिना मैं कैसे रहा हूँ सर? एक साथ में जन्म लिया है ना सर, एक मासूम जान की कीमत ये क्या जाने सर? मेरे भाई ने 1000 गुने किए होंगे, लेकिन आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है उसे। ए, तेरी मैं वापस आऊंगा और जब आऊंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखा सर आपने किस तरह से धमकी दे रहे? वो देख लेंगे।
अगले महीने की 3 तारीख को हमारी शादी है, परिवार के साथ आशीर्वाद देने आइएगा। पक्का आइएगा जी। थैंक यू। थैंक्स। किस लिए? मेरे लिए। शिवम का जो कैरेक्टर था वो तुमने मार डाला, वो भी प्रूफ के साथ। हाँ वैसे। लेकिन उस लूटे हुए पैसों का क्या किया, वो तो तुमने बताया ही नहीं। वो गवर्नमेंट के पास चला गया ना, किशोर को अरेस्ट किया तभी उसके साथ ही पर चला वो गया। तो आधे ही पैसे थे, बाकी के पैसे कौन है सर जिसने इतने पैसे डाले हैं? उस शिवा ने। शिवा? कौन शिवा? शिव शंकर, गणपति के पिता। हम सबको खुश करने के लिए उन्होंने किसी और जरिए से यहाँ तक पैसे पहुँचाए हैं। अच्छी बात है, मंदिर की दान पेटी में डाल दिया तो कोई हिसाब भी नहीं मांग सकता। काला धन सफेद हो गया। देश में और कितना काला धन है, और बहुत अनाथ आश्रम भी है, बुजुर्गों के आश्रम भी है, अपाइजों का स्कूल भी। उन सबको बचाने और पालने के लिए बहुत सारे रॉबिनहुड हैं, तुम उनकी फिक्र मत करो। मैं जरूर आ जाता हूँ। गुड, वेरी गुड, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक या दो पैदा करके ही खुशी होगी। सत्या बोली, वो शिवा जो मर गया वो सच है ना? मन्नत मांगी झूठ होना चाहिए, साथ में पैदा हुए है ना? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, थोड़े दिन पहले शिवा जिस तरह से काम करता था उसी स्टाइल में एक जगह से ब्लैक मनी लूटी गई है, 300 करोड़ से ऊपर। मुझे लगा शिवा वापस आ गया। सर, ये शिवा को पूरी तरह से भूल गया है, आप क्यों इन्हें याद दिला रहे हैं? ओह कम ऑन, डोंट टेक सीरियस, आई एम सॉरी, जस्ट माय जॉब। ठीक है सर, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। वो डीसीपी बहुत ही होशियार आदमी है, किसी और ने पैसे मारे और वो शिवम के ऊपर डालना चाहता है। देखो हो सके तो उसे पकड़ने का।